चलिए पब्लिक शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे किसके साथ आज, डेथ ऑफ पार्टनर का वन शॉट सीरीज। ऑलमोस्ट 90% की प्रॉब्लम किसके जैसे है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इधर मारा ना, अप टू इधर तक का प्रॉफिट किसका, ऑफिसर राजेश, इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, बिकॉज वी कैनॉट कैलकुलेट, देर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसका मतलब पिछला साल कौन सा है, 17-18, कौन सा पिछला साल लेने का 17-18 है, पहला वाला कि लास्ट वाला, ये ध्यान रखने का, मतलब ये पुराना, फिर ये उसके बाद वाला, बाद वाला, बाद, ये सबसे लेटेस्ट, मतलब ये कौन सा साल रहेगा, 17-18, बहुत बढ़िया, 16-17, बहुत बढ़िया, 15-16, 14, हमेशा ध्यान रखो। तो दिस इज दी प्रीवियस टू ईयर्स प्रॉफिट, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ये ध्यान रखो पूरे रिटायरमेंट डेथ में। अगर मरे हुए रिटायर हुए पार्टनर के गुडविल के शेयर की बात हो रही है तो उस मरे हुए पार्टनर को, जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा, बाकी दोनों हाउएवर ओनली यश का शेयर इन द एप्रिशिएटेड वैल्यू वॉज रेज्ड, मतलब पूरा 3000 बढ़ाने का, गुडविल में तो बढ़ेगा बट पूरा 3000 नहीं, सिर्फ चल लिए पब्लिक शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे किसके साथ आज, डेथ ऑफ पार्टनर का वन शॉट सीरीज। ऑलमोस्ट 90% की प्रॉब्लम किसके जैसे है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स, डेथ ऑफ पार्टनर के भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स, फर्क क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन में कितने पार्टनर होते हैं, दो और एक आता है, टोटल हो जाते हैं 3, डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन में कितने बैलेंस शीट रहेंगे, क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स रहेंगे, 3 और एक चला जाएगा, बचेंगे 2, सिंपल। तो एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा है, इधर जा रहा है, सिंपल बात है। अगर मैं बोलूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो पार्टनर थे, 5 रुपया बांटते थे हम, दो ढाई ढाई रुपया, अब आ गया तीसरा, तो तीसरे को हमको ये 5 रुपए में से ही हिस्सा देना पड़ेगा, मान लो हमने 1 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 4, हम कैसा बांटेंगे, 2-2, तो हमने क्या किया, सैक्रिफाइस, हमने अपने जेब से हमारे प्रॉफिट का त्याग किया, किसके लिए, आने वाले नए पार्टनर के लिए, तो होता है सैक्रिफाइस रेशियो। यहां पे क्या होगा, मान लो तीन पार्टनर है, अपन तीन पार्टनर है, मैं आप और आप, ठीक है, सो मैं आप और आप, अपन तीन पार्टनर है, कैसा पैसा बांट रहे, दो रुपया बराबर, ठीक है, कोई टेंशन, तो हमको कितना रुपया मिल रहा है, टोटल 6 रुपया हम बांट रहे कैसा, दो, मान लो मैं मर गया, अगर मैंने तुमको मारा तो तुम बहुत मेरे को गाली देंगे, तो मान लो मैं मर गया, तो मैं एक पार्टनर गया, अब बच्चे कितने, 2 लोग, कौन, तुम और तुम, तो अब ये 6 रुपए कितने लोग में बटेगा, 2 लोग में, तुम्हारे और तुम्हारे, कैसा, तीन, पहले तुमको मिलता था 2 रुपया, मेरे मरने के बाद मिल रहा 3, फायदा कि नुकसान, गेन, सो यू बोथ आर गेनिंग बिकॉज ऑफ माय डेथ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होएगा, तुमको पढ़ाएंगा कौन, तुम बोलेंगे हम तेरे वीडियो से पढ़ लेंगे, तू जा, गेटिंग गाइस, तो ये सीक्वेंस यहां पे है, और रिटायरमेंट इज एग्जैक्टली सेम एज डेथ, एग्जैक्टली, बस एक ही चीज अलग है, इधर मर के जा रहा है, उधर इच्छा से जा रहा है, दैट्स इट, बाकी कोई टेंशन नहीं है, गुडविल विडविल पैटर्न विटर्न सब सेम है, इसलिए डेथ हमने बहुत डिटेल में किया था, क्योंकि डेथ ऑलमोस्ट कंपलसरी जैसा क्वेश्चन है नीचे, रिटायरमेंट एडमिशन के साथ आता है, तो रिटायरमेंट सुमड़े में अपन ने ले लिया था, सुनना, तो एडमिशन अपन ने इतना किया, डेथ फिर इतना किया, गेटिंग, पक्का, अच्छा, सो अगेन फ्लो रहेगा क्या, कितने क्वेश्चंस कवर करने वाले हम, 24 क्वेश्चंस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मैसिव प्रैक्टिस,
गेटिंग टोटल 24 क्वेश्चंस है. इसमें से अगेन हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में बेसिक भी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ देखेंगे. हालांकि फास्ट हो जाएगा क्योंकि अपन ने क्या कर लिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आ गया है तो देखिएगा जरा जाके. तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का ऑलरेडी लेक्चर कर लिया है तो उसकी वजह से ये डेथ ऑफ पार्टनर बहुत इजी लगेगा. तो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अच्छे से पूरे फ्लो के साथ और फिर देखेंगे सारे स्टार वाले एडजस्टमेंट. गेटिंग, इसी के साथ पूरा टॉपिक हो जाएगा कवर और लास्ट में कुछ गवर्नमेंट के टेक्स्टबुक्स के सॉल्ट इलस्ट्रेशन भी देखेंगे अपन जो अपन ने डिस्कस किया. तो जो स्टार मार्क करे बराबर कोई जरूरत नहीं, उसमें से एक ही पॉइंट नया है वो अपन को डिस्कस करना है, बाकी तो सारा अपन ने अपने 24 वाले क्वेश्चन में सीरीज में कवर किया हुआ है. सो आर यू ऑल रेडी, हाँ या ना, रेडी टू स्टार्ट व्हाट, डेथ ऑफ पार्टनर वन शॉट सीरीज. यस, बहुत बढ़िया, चलिए चालू करते फिर इंडेक्स के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन वन, यस बेसिक तो वही होता है तो देख लेते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर वन, बेसिक क्वेश्चन मतलब क्या देखना है, पूरा सही है. चलो क्वेश्चन वन जरा इंटर करते जा रहे हो, एनर्जी, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश ब्रदर, हाय हाय हाय, तू चल हम हाई रहते हैं हमेशा और वैसे भी हाय है, मांग मींग भी के नहीं है ना कि डायरेक्ट वही जरा जोश में, ठीक है पक्का है, जोर से जोर से जोर से यार, यस नहीं यस, बहुत बढ़िया. मैं ज्यादा नहीं चिल्लाता नहीं तो शाम का गया इशू ऑफ शेयर्स फिर चलेगा. देखिए इस दरिंदे को, तुम्हें दिल पे ले लिया मैं मारा देगा. देखते गाइस रेडी, चलो क्या दिया देखते. राजेश राकेश महेश वेरी कोल पार्टनर्स, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है. राजेश डाइड, मर गया बेचारा, ठीक है क्या बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट क्या बनाएंगे यार, देखने का क्या, अपने को ही पता क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में बनेगा कैश और बैंक अकाउंट. बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ये चाहिए इंटरेक्शन, क्या बात है, बहुत विकास, बहुत ही बढ़िया. देखो हमारा लाइव स्टूडेंट बहुत जबरदस्त, इतना एक्साइट हो गया किसी के मरने पर, मजा आ गया पर मेरे को, वेरी नाइस, बट जोश बने रहिए आप लोग भी. चलिए अब ध्यान से, प्रोसेस सेम, टेबल बैलेंस शीट का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के दो, ये सारा पोस्टिंग सामान बैलेंसेस एडजस्टमेंट उठा उठा के फेंकना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंस शीट में और कैश या तो बैंक में. बहुत सिंपल है, सीधा डिस्कस करें, डन. पहला काम क्या करते हैं, पढ़ के टिक, पूरा फ्लो इसके साथ डिस्कस करेंगे, गुडविल विडविल ये वो सब कुछ आते जाएगा, टेंशन नहीं है, जैसे ऐसा आएगा वैसा वैसा डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा टेंशन नहीं लीजिए. फर्नीचर, फर्नीचर को टिक, ये सब पढ़ते गए वो तो सॉल्व करने के टाइम, हाँ ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं पढ़ते, बट टिक करते टाइम नहीं. जमीन बिल्डिंग टिक, आगड़ी डेटर्स को टिक, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखेंगे आराम से, स्टार है ये, एडजस्टमेंट है मरे हुए पार्टनर का, तो इधर ऐसा कुछ है ही नहीं ना, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, टिक करने के लिए कुछ है क्या, तो ऐसे भी नहीं है, तो अलग कैलकुलेशन है. डन करते स्टार्ट. चलिए भाई सबसे पहला क्या करेंगे, बनाने के लिए बोला है लेजर, तो हम भी बनाएंगे लेजर. देखो दिख रहा है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, सेम आधा पेज अंदाज, पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर्स, तीन बनाएंगे ना, क्योंकि तीन तो थे ना, फिर एक गया ना, फिर इसमें दो पार्टनर्स के नाम रहेंगे अभी, तो पहले से कितने नाम लिख के रखने के, दो. वर्किंग नोट में कैश और भी वर्किंग नोट बनेगा ना, तो वो इधर बनाया है हमने सॉल्यूशन वन में, वर्किंग नोट क्या है सब मैं एक्सप्लेन करूंगा. स्टार्ट करें, चलो पहला, सबसे पहला क्या पोस्ट करेंगे, एसेट्स, ये सारे एसेट्स किधर जाएंगे, एसेट्स में, अरे एक पार्टनर मर रहा, तीन में से कौन मर गया, रे भोंग गया राजेश मर गया, अरे रे रे ओम शांति, तो ये गया, अरे इसको जान दो, तीन लोग थे,
ये पूरा बैलेंस शीट, ये पूरा बिजनेस कितने का था? तीन लोग का। अब ये गया तो कितनों का रहेगा? तो ये बिजनेस चलेगा नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा। अरे होगा ना यार, एक पार्टनर मरा यार, बिजनेस तो है ना। बिजनेस को खतरा कब है? जब तीन में से दो मर जाएंगे, तो पार्टनरशिप खतरे में आ जाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस तो ऑटोमेटिक खतरे में आ गया। तो जब तक दो पार्टनर है, कोनू चिंता ना ही। तो ये बिजनेस जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। इतना ही, इनको चलाने वाले पहले तीन सारथी थे, अब दो हो जाएंगे। सही है। तो जो एसेट्स थे है, तो ये सारे एसेट्स जाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट्स में। ठीक है, तो इनर नहीं तो सीधा आउटर पुड़े। कैश, ये भी एक्चुअली जाना चाहिए एसेट में, बट कैश में चेंजेस होते हैं ना। ये क्वेश्चन में इतना नहीं है, बट अपना फॉर्मेट सेम है। अपन बना रहे कैश अकाउंट, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ और DOPF, उसमें तो एक्चुअल में बनता है रे, तो वो तो बात ही नहीं, सॉरी। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में वर्किंग नोट में कैश बैंक हम बनाएंगे। चलिए, कैश किधर जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट। क्यों? एसेट ऑलवेज डेबिट आता है, रट ले नायका नक्की ना। एक्शन से अकाउंटिंग, ध्यान रखो, एक्शन से अकाउंटिंग हर क्वेश्चन में, हर धड़े में एप्लीकेबल है कि नहीं है? और एक्शन से बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे एक चीज क्या समझ आती है, एसेट ऑलवेज डेबिट। कैसे? एसेट मतलब वो जो हमारा है। और बिजनेस में ज्यादा एसेट आएगा कि ज्यादा जाएगा? अगर ज्यादा गया तो एसेट्स, एसेट्स ज्यादा आएगा एसेट्स कि ज्यादा जाएगा? बिजनेस में अगर ज्यादा एसेट चले गए तो बिजनेस ही बंद ना। तो बिजनेस में ज्यादा एसेट्स आना चाहिए, वो एसेट कोई तो वापर के बिजनेस करने वाले। हाँ, तो एसेट तो चाहिए, तो एसेट ज्यादा ज्यादा आएगा, खराब होएगा तो ही जाएगा, बेचेंगे बस उतना है। सही, एक्शन के साथ एसेट ऐसे ही बोलते हैं ना, आना आया, डी डेबिट, या वो पैसा जो आने वाला है, बराबर। डी डेबिट एक्शन से अकाउंटिंग लाइबिलिटीज, वो पैसा जो तो घुमा के जाने, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये जाना घुमा के जाने वाला है, खत्म। सही है, एक्शन से अकाउंटिंग। चलो, तो एसेट ऑलवेज कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल। चलो, एसेट्स पोस्टिंग हो गया, लाइबिलिटी सबसे पहला क्या पोस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, यस कैपिटल। तो तीनों कैपिटल जाएगा किधर? पार्टनर्स कैपिटल के लाइबिलिटीज ऑलवेज बाय बैलेंस शुरुआत अकाउंट की। सन्डे रेट इज बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक लोन, तीनों का तीनों लाइबिलिटी। अरे अभी स्टार भी नहीं कर रहा मैं, तो लाइबिलिटी, यस इधर लाइबिलिटीज में तीनों का तीनों आ गया, लाइबिलिटीज डन, डन आ डन। इसके बाद बैलेंस शीट का पोस्टिंग्स हुआ, समाप्त। कितने बार का है डेथ ऑफ पार्टनर? आठ मार्क का डेथ ऑफ पार्टनर। सही है, बराबर। इशू ऑफ शेयर्स, तो आठ मार्क का डेथ ऑफ पार्टनर अपने कर दिया, तीन मार्क अपने तय, ढाई से तीन मार्क बैलेंस शीट पोस्टिंग से, बस तीन मार्क एडजस्टमेंट, छह दो मार्क क्लोजिंग, खत्म। चलो ठीक है, मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th June, 30 जून को मर गया। ये बैलेंस शीट कब का है? 31st March, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2019, बराबर ना। कब मरा ये? 30 जून 2019। बोलो कौन से साल में मरा ये? कौन सा साल, मतलब कौन सा कैलेंडर ईयर पूछ रहा हूं मैं। अकाउंटिंग में हमेशा कौन सी बात होती है? तुम 12वीं में हो, कौन से साल में हो? 22 में 23 में 22 23, तो बस वैसा वैसा ही बात करते ना। तो तुम स्टूडेंट हो 22 23 के। ये बोंगिया मरा कभी? 19 20 में। और ये बैलेंस शीट कब का है? 18 19, मतलब पिछले साल का, बराबर कि नहीं? ये 19 20 में मरा, हाँ या ना? 19 20 में धंधा करके मरा क्या, कि पहले दिन मर गया? 19 20 में करा थोड़ा बिजनेस, कितना महीना करा? कैसा? ये मार्च के बाद, अप्रैल मई जून, तीन महीना बिजनेस कर रहा है और मर रहा है, तो कुछ और लेके नहीं जाएगा क्या? हाँ, तो वो सारी चीजें काम आएगी, देखेंगे अपन क्या है। तो देखो, ये जब मरा है ना, वो कौन सा साल है? 19 20, और 19 20 शुरू कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। तो ये बोंगे ने ये 3 महीना बिजनेस करा है, दिख रहा है? अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे, ये तो क्या है? इंफॉर्मेशन।
फर्नीचर वस्तु एडजस्टेड मार्केट प्राइस 340, फर्नीचर कितना है? कितना हो गया? 340। बताइए दो इफेक्ट पूरा अच्छे से बोलने का ना, कई प्रिंट पहले एक एक करके अच्छे से बोलो, शॉर्टकट में बोलते अच्छे से, मैं कहता मस्त बोलता ढंग से अच्छे से। हाँ फर्नीचर वॉस्ट भी एडजस्टेड मार्केट बड़ी बोलो, फर्नीचर वैल्यू 340 हो गया, क्या करेंगे फर्नीचर में ऐड, सीधा बोलो ना टू द पॉइंट, फर्नीचर में ऐड खत्म, क्या लिखेंगे फर्नीचर में ऐड? एप्रिसिएशन 40,340। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्यू सी क्रेडिट, फायदा, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, क्रेडिट ऑन इनकम इन फर्नीचर 40। अगला बोला जमीन बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, पहला इफेक्ट जमीन बिल्डिंग से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू जमीन बिल्डिंग। नेक्स्ट आरडीडी ऑन डेटर्स, बोलो डेटर से लेस आरडीडी, न्यू आरडीडी भी बोल सकते कि न्यू बैलेंस शीट है तो नया आरडीडी, एडजस्टमेंट का आरडीडी नया आरडीडी, कितने बार सीख लिया, तो बोलो डेटर से लेस 5%। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आरडीडी, कहानी में इधर कहानी नहीं बनाते अपन, क्यों? कहानी ऑलरेडी बन गई है, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनी थी। हाँ यार विकास आज इतना जोश में, डेथ ऑफ पार्टनर फेवरेट है क्या? मरना मारना बहुत पसंद, आज ब्लैक भी बन गया देखो, अरे वाह 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 एकदम कड़क, बहुत आ रही। हाँ उसको जरूरत भी नहीं है, ये चला जा कंफर्टेबल है, ठीक डन गाइस। इतना समझ में आया, ये तीन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज करना ही पड़ेगा ना, जब एक पार्टनर आता है तो हम रिवैल्यू करते, जा रहा है तो भी रिवैल्यू करें, क्यों जाने के टाइम रिवैल्यू करते? ध्यान से सुनना, अपन तीन लोग हैं, आप मैं और आप, बराबर। तो हम तीनों बिजनेस कर रहे थे अभी तक, मैं मर गया अचानक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा सारा हिस्सा मेरे को देना पड़ेगा, बराबर। उसके लिए आप आज का वैल्यू निकालेंगे ना, सिंपल बात है, मान लो ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा है, मान लो मेरा नहीं है, मेरे बाप का है, मतलब पप्पा का है, मान लो ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा है और मैं मर गया, तो ये बेच के पैसा सीधा मेरे को मिलेगा ना, मेरे को मतलब मेरे वारिस को, एग्जीक्यूटर को, हाँ या ना? कौन सा पैसा मिलेगा, आज का कीमत मिलेगा कि पुराना वाला कीमत मिलेगा? तो मैं अगर जा रहा हूँ, मैं अगर मर रहा हूँ, तो मेरा सारा प्रॉपर्टी विपर्टी सब कुछ बिकेगा और मार्केट वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू मेरे को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर तीन लोग बिजनेस कर रहे तो जो भी प्रॉपर्टी है वो तीनों का है, तो तीनों का जो प्रॉपर्टी है उसका आज का कीमत निकालेंगे, रिवैल्यू करेंगे, और मेरा जितना बनता है उतना आप दोनों मिलके मुझे दे देंगे, बराबर। कोई टेंशन? पक्का समझ में आ रहा है? अब क्या सांगितले लास्ट? देखो सिंपल बात है, राजेश कभी मर गया 30 जून को, मतलब 3 महीना बिजनेस करके, कौन से साल में? 19-20 में, ये देखो ना 19-20 में, ये करंट ईयर है, जब वो मरा ये करंट ईयर है। क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है कब का है? पिछले साल का 18-19 का। अच्छा ये आज मरा, इधर मरा ये, बराबर, हाँ या ना? तो ये अगर आज मर गया तो इसके घर वाले हम कौन? हम हमेशा बिजनेस, ध्यान रखो, हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम कौन? बिजनेस। अच्छा ये आज मर गया, कौन? राजेश, राजेश आज मर गया। हाँ चल नसीब, कुछ तो बना, बुझ जैसा भी लग रहा सॉरी। तो अब ये बंदा आज मर गया, इसके घर वाले क्या बोलेंगे अपने को? इसने ये ना 3 महीना काम नहीं रहे, सिर्फ 3 महीना बिजनेस किया है, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे? हमारे राजेश भाई का 3 महीने का प्रॉफिट दो, प्रॉफिट में हिस्सा दो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे सवाल बोलेंगे यार, तुम 1 महीना भी बिजनेस करेंगे तो 1 महीने का प्रॉफिट नहीं लेंगे? नहीं। तो ये बंदा 3 महीना बिजनेस करके मर रहा है, तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना? पर प्रॉफिट आज निकलेगा? प्रॉफिट कब निकलेगा? ईयर एंड पे प्रॉफिट इधर निकलता ना, इधर हम बनाते प्रॉफिट एंड लॉस,
अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इस डेट पे निकलेगा क्या नेट प्रॉफिट। इस दिन पे जब नेट प्रॉफिट आएगा पूरे साल का, तो हम उसको 3 महीना में कन्वर्ट करेंगे और उसका हिस्सा निकाल के दे देंगे। अरे बराबर समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, पर अभी कोर्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? राजेश भाई का असलियत में प्रॉफिट का हिस्सा आज समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ये 3 महीने में इन्होंने मेहनत बहुत करी है पर गुड्स बिके हैं आने वाले टाइम में। ऐसा थोड़ी बोल सकते, इधर गुड्स नहीं बिका मतलब इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है हमारा बिजनेस कैसा हो, सीजनल, फटाकड़ी का बिजनेस। अगर फटाके का बिजनेस हो तो इधर किधर जाने वाला है, कभी आएगा? नवंबर में भाई, पर तो ये 3 महीने सोते है क्या भाई? नहीं, परचेस करते, मार्केटिंग करते, दुनिया भर का काम करते, साल भर मेहनत करते, तो एक सीजन में साल भर का थर्ड करके कमा लेते। मुद्दा समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि इधर गुड्स नहीं बिका तो इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? पूरे साल का प्रॉफिट निकलेगा, उसमें को उसको 3 महीने में हम डिवाइड करेंगे और 3 महीने का इसका हिस्सा उसको देंगे। बात समझ में आ रहा है? पर अभी टेंशन क्या है, आज की तारीख में हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। क्यों? प्रॉफिट कभी भी ऐसा 1 महीने का, 1 दिन का नहीं निकाला जाता। प्रॉफिट निकाला जाता है पूरे, हमारा भी रिजल्ट पूरे साल का एंड में ही आता है ना, महीने महीने का रिजल्ट निकलता है। हो सकता है यार साल भर में हम पहला महीना कम पड़े, तीसरा महीना बहुत ज़्यादा पड़े, फिर पांचवा महीना कम पड़े, तो हर महीना रिजल्ट निकालेंगे तो अपना रिजल्ट ऐसा ऐसा आएगा पूरे साल का, क्योंकि एकेडमिक ईयर है ना, पढ़ाई उस साल की है ना, तो वैल्यू भी पूरे साल का। वैसे बिजनेस 1 साल का है, अकाउंटिंग ईयर 1 साल का है, तो फायदा नुकसान भी 1 साल का, रिजल्ट भी 1 साल का, तो साल के एंड में प्रॉफिट निकलने वाला है। समझ में आ रहा है? पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, अब साल के एंड में निकलेगा, मतलब अब से कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। 9 महीने तक इनको चिंता में मत रखो। इनके घर वालों को क्या लग सकता है कि तुम बाद में इसको वटा देंगे, भूल जाएंगे, देंगे नहीं। तो क्या करो, गवर्नमेंट बोलता है देखो पिछले साल कितना कमाया था। गवर्नमेंट क्या बोलता है, इसको तुमको प्रॉफिट में हिस्सा देना है इस साल का 3 महीने का, बट इस साल का प्रॉफिट निकलने वाला है इस साल के एंड में, तो आज, तो कभी आज हम एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढ नहीं सकते। तो क्या करो, ये देखो हमने, हमारे बिजनेस ने पिछले साल कितना कमाया था। नॉर्मली हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, पिछले साल जितना कमाया उसके आसपास इस साल भी कमाएंगे ही नॉर्मली, तो अंदाज निकालो इस साल कितना कमाने वाले हैं, अंदाज निकालो अच्छे से बेस्ड ऑन दी पास्ट ईयर प्रॉफिट, और उस अंदाजे के हिसाब से इसके नाम पे प्रॉफिट जमा कर दो। इस बंदे को, ये तो बेचारा मर गया, पर इसको या इसके परिवार को आज प्रॉफिट देना नहीं है। इनको प्रॉफिट आज देना है? नहीं। दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, पता ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं मिला है, हमको ही नहीं मिला है, इसको क्या पे करेंगे? करना क्या है, सिर्फ इसके नाम पे जमा करना है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर, ताकि उसके परिवार वालों को तसल्ली हो जाए कि हमने जमा किया है। दूसरा, हम जमा कर देंगे तो हम हमारी किताबों में लिख देंगे तो हमारा लाइबिलिटी बन जाएगा, तो हम आज नहीं तो कल देंगे, च नहीं दिया तो हमारे अगेंस्ट ही एक्शन। बिल बनाते नहीं क्या, रिटर्न प्रॉमिस, वैसा रिटर्न प्रॉमिस एक प्रकार का, बस अपने अकाउंट्स में लिख देना है। गेटिंग क्या हो रहा है? तो जो पार्टनर मर के जा रहा है वो कुछ तो टाइम के लिए बिजनेस कर रहा है, उतने टाइम का उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, पर चिंता क्या है, आज क्या प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट निकलता है साल के एंड में, और वो इस साल मारा है ना, तो पिछले साल का प्रॉफिट देंगे, इस साल के एंड में वो निकलने वाला है अगले साल, कभी 9 महीने के बाद, तो 9 महीने तक चिंता में नहीं रखना है। तो गवर्नमेंट सेज कैलकुलेट दी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, देखो पिछले साल कितना कमाया था, पिछले साल जितना कमाया था उतना मान लो अंदाज इस साल भी कमाएंगे, तो उसके हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट ढूंढो और ये भाई के नाम पे जमा कर दो। गेटिंग, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है तो अब कैसे ढूंढना, देखना क्या बोला है क्वेश्चन ने। सो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश,
प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इधर मारा ना, अप टू इधर तक का प्रॉफिट किसका? ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, बिकॉज वी कैनॉट कैलकुलेट दिस ईयर प्रॉफिट टूडे. पॉइंट इज दैट अगर पार्टनर मरता 31 मार्च 2020 को तो रेडी है निकालने का, क्या ले चल निकल लगेज, सिंपल बराबर. तो डेट तय नहीं है किसी का मरने का. फिर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट यू चोज, बराबर. मतलब अभी हम क्या मानेंगे, पिछले साल हमने कमाया था 180,000, मान लो इस साल भी कमाएंगे 180,000, तो 180,000 में से तीन महीने का प्रॉफिट उसको देना है ना. तो 180,000 में से देखो राजेश इज एलिजिबल फॉर 3 months प्रॉफिट, तो 180,000 तीन महीने का 45 पूरा उसका, ये तीन महीने का है सबका, पूरे फर्म का तीन महीने का प्रॉफिट. ये पूरे फर्म का 12 महीने का था ना, ये पूरे फर्म का तीन महीने का. अब इसमें से राजेश का हिस्सा कितना इक्वल था ना, तो 1:1:1, अरे हाँ है ना, तो 1:1:1 मतलब 1/3, तो 45,000 / 3 15 ना, हाँ 15,000 रुपया. ये आया क्या राजेश का प्रॉफिट में हिस्सा, कौन से साल का हिस्सा, कितने महीने का एक्चुअल हिस्सा नहीं, अंदाज एस्टीमेटेड, हाँ या ना. ये प्रॉफिट किसको मिलेगा बराबर, कौन पे करेगा, हम मतलब कौन फर्म, हाँ या ना. तो हमारा फायदा कि नुकसान, नुकसान प्रॉफिट की लॉस, लॉस डेबिट की क्रेडिट, हमको डेबिट बराबर. तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्यों सस्पेंस, ये जो है 15,000 ये एक्चुअल नहीं, ये तो सस्पेंस में है. जब ईयर एंड आएगा 9 महीने बाद पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना. अगर एक्चुअल में 180,000 कमाया तो 15 दे देंगे, ज्यादा कमाया ज्यादा देंगे, कम कमाया कम देंगे, खत्म. तो जब तक मेरे साथ साथ, जब तक ईयर एंड पे असली प्रॉफिट पता नहीं चलता तब तक ये प्रॉफिट को सस्पेंस में रखो. पर सस्पेंस में रखो, बताना तो पड़ेगा सस्पेंस है, अरे हाँ या ना, सिंपल है. तो सस्पेंस में रख दिया, तो हमने क्या कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और क्या लिखा, टू राजेश कैपिटल. ऐसे ही होता है ना यार, हम पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो इधर ही तो लिखते प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. फाइनल अकाउंट्स याद है, फाइनल अकाउंट्स याद है, नहीं याद है तो मर जाओ फिर. सॉरी ओ भाई मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ कुछ चीजें. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा साइड, डेबिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. देखो ना ये प्रॉफिट वो है जो हम पार्टनर्स को देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्चुअल प्रॉफिट दिया. तो सेम लॉजिक है क्या, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, ये प्रॉफिट है जो हम पार्टनर को देंगे, बट एक्चुअल है, ये सस्पेंस है. इसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है. अच्छा इधर भी नहीं लिखा अपन ने, एडजस्टमेंट में लिखा, इधर डेबिट किया, इधर क्यों नहीं किया, ये रिवैल्यूएशन वाला है सिर्फ. इधर गुडविल आता है, गुडविल भी तो कम ज्यादा होता है, तो गुडविल इधर आता है, जनरल रिजर्व इधर आता है, इधर सिर्फ क्या होता है एसेट्स लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑब्जेक्टिव, पढ़ाया ना इतना मेहनत से मैंने, देखा करो ना वीडियो, जो नई वीडियो आते वो पूछते रहते, जो है वो देखो. इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, टॉन नहीं है, हे हाँ. ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन. व्हाई इज दिस प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स बढ़ना कम होना, लाइबिलिटीज कम होना बढ़ना कम होना. सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, खत्म.
बाकी पंचायत थोड़ी देर रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो हम 15,000 दे रहे वो क्या है? इस पार्टनर का प्रॉफिट में अधिकार, जो उसको मिलना चाहिए हमने देना चाहिए, उसका इनकम हमारा एक्सपेंस। तो हमारा एक्सपेंस डेबिट, डेबिट और एक्सपेंसेस प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट में डेबिट, और इसको क्रेडिट, मतलब इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे क्रेडिट में? बाय प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में टू राजेश, तो राजेश में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये देखो 15,000 आ गया। इसका मतलब हमने क्या बोला, राजेश को क्रेडिट, मतलब इसका इन क्रेडिट द गिवर, ये सब मत बोलो, ये लॉजिक है क्योंकि उसको जो फायदा मिल रहा है उसने अभी फिलहाल बिजनेस में ही रखा है। बट ये सब कॉम्प्लिकेट मत करो फिलहाल, अभी ये टाइम भी नहीं है वन शॉट में, ये सब सारा डिस्कशन अपन ने पहले भी किया हुआ है, सब उसमें करते हैं अपन। अच्छा, तो ये 15,000 इसका फायदा ना राजेश का, फायदा प्रॉफिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल का, दो अंडरस्टैंडिंग ना, क्या दो अंडरस्टैंडिंग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या, पार्टनर का फायदा, पार्टनर को क्रेडिट इनकम गेन्स क्रेडिट, पार्टनर का नुकसान पार्टनर को डेबिट, डेबिट ऑफ एक्सपेंड लॉसेस, ये सो नो। तो उस हिसाब से पार्टनर का फायदा पार्टनर को क्रेडिट किया, मतलब राजेश भाई को 15,000 मिलेगा, उसका फायदा है, सस्पेंस में रखा है, क्यों एक्चुअल पता नहीं, अंदाज इतना तो मिलेगा। तुम क्या लगता है, एक पार्टनर मर गया, अभी मान लो मैं मर गया तो EGI का बिजनेस बंद? अरे चलेगा ना, फिर विक्रोली में कौन पहचानता भाई अपने को, EGI को पहचानते। धीरे धीरे पार्टनर का भी गुडविल बनता है, नहीं ऐसा नहीं, पर एक बोल रहा हूं, बट पार्टनर गया भी तो बिजनेस रिप्लेस नहीं होता, बिजनेस चलता है। एक्सेप्शनली होता है ऐसा कि अगर पार्टनर चला गया और वो पार्टनर पे ही सब डिपेंडेंट है तो फिर गया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, फिर मार पड़ेगा, नहीं तो नहीं, नॉर्मली नहीं होता ऐसा। गेटिंग, कोई टेंशन, इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो दो इफेक्ट क्या हुआ, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों, राजेश का फायदा राजेश को क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों, हमारा नुकसान हमारा डेबिट, हम दे रहे प्रॉफिट हमारा खर्चा एक्सपेंस डेबिट, बट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट एग्जाम में नहीं बनाना है, बट मैं आपको अभी बेसिक है ना पहला क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कैसे करना है, बाद में आपको दो इफेक्ट डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं। इतना समझ में आया, कोनू टेंशन, पक्का गुडविल भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो भाई तीन लोग थे, कौन तीन, हमेशा मेरे को मत मारो, मैं तुम हड़, राजेश राकेश महेश। राजेश गया, कैसा बांटते थे इन लोग 3 रुपया, एक एक एक, अब ये गया, अब 3 रुपया इन लोग कैसा बांटेंगे, डेढ़ डेढ़ रुपया, तो ये दोनों का फायदा है कि नहीं है? तो जो जा रहा ना राजेश, क्या होना चाहिए गुडविल का ट्रीटमेंट? देखो एडमिशन, एडमिशन क्या होता है, नया पार्टनर आता है तो गुडविल का पैसा लाता है, वो लाता है, वो देता है गुडविल का पैसा किसको, ओल्ड को। इधर क्या होना चाहिए, कौन देगा गुडविल, किसको मिलेगा, राकेश और महेश गुडविल देंगे किसको, राजेश को, कौन से रेशो में, गेन रेशो में, क्यों, राजेश के जाने से इन दोनों को फ्यूचर भर फायदा है, क्यों, अभी तक जो प्रॉफिट 3 बांटते थे वो ही प्रॉफिट 2 बांटेंगे। ये मर गया तो क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा, अरे धंधा वैसे ही है ना, कैसे कम होएगा, बात समझ में आ रहा है, सिंपल इंपॉर्टेंट वो है, मैं मर गया तो EGI का बिजनेस क्या कम हो रहा, मैं क्या छाती पे लेके जा रहा सब, हे मेरा बेंच है मैंने लाया था मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा झाड़ है मैं लेके जाऊंगा, सीधी बात है यार, पॉइंट है कि नहीं। तो वैसा तो आने वाला गुडविल ला रहा है, ले जाने वाला लेके जा रहा है, भाई अभी तक बिजनेस कितने लोगों ने किया था, 3, गुडविल कितने का था, 3 का, ये गया तो ये क्या बोलेगा, भाई मैं जा रहा हूं तुमको परमानेंट फायदा है तो मेरे को कुछ तो दो, क्यों मेरा भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब मेरे नाम पे तुम भी थोड़ा टाइम तो कमाओगे, मैं मर गया तो मेरे हाईटेक क्लासरूम में और भी आएंगे ना लोग, बनाया किसने, मैंने क्लासरूम तो मैंने बनाया, तो मैं मांगूंगा नहीं पैसा, फिर मेरे लिए मांगूंगा पैसा, अरे मैं तो मर गया रे, फैमिली के लिए एग्जीक्यूटर के लिए, मैं किसके लिए भी मांगू। पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, गुडविल का जब आएगा तब देखेंगे और अपन डन। तो इसमें नहीं दिया है गुडविल, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, अपना सीक्वेंस वैसे ही होता है ना, धीरे 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 धीरे
से समझ में आना. डन रेडी. अब क्या करेंगे लास्ट? क्लोजिंग. डन डन. पहले क्लोज करेंगे क्या? क्रोनोलॉजी में देखिए कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है. 55, 40 माइनस क्या बचा? 15 बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये लॉस आया, कोई टेंशन? पक्का? अब क्या क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल. अब किसका क्लोज करने का? जो मरा पहले उसका क्लोज करो. कुछ भी चलता है, फर्क नहीं पड़ता ऐसा, पर जो मरा पहले उसका क्लोज कर दो. सीधी बात है यार, जो बेचारा मर गया पहले उसका सेटल करो ना अकाउंट, फिर अपन अपना देख लेंगे. अपन तो इधर ही है. हाँ तो कौन मर गया? 5,15,000 इधर ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, मतलब अच्छा है कि बुरा है? अच्छा पोजिशन है, मतलब उसको पैसा मिलेगा, उसको मिलेगा. सीधी बात है, 5,15,000 माइनस 5,000 कितना है? 5,10,000. मतलब ये 5,10,000 अभी हम क्या करेंगे? इस पार्टनर को देंगे, क्योंकि ये पार्टनर बिजनेस से गया. जब पार्टनर बिजनेस में आता है कैपिटल लाता है, तो जब जाएगा लेके जाएगा, भाई जो वो पैसा लाया था उसको वापस नहीं देंगे? देंगे. ये पैसा आज ही देने का? अगर आज दे दिया ना अपन तो खत्म. क्यों? देखना कितना बन रहा है वो बंदे का. 5,10,000 कितना पैसा है अपने पास? 1,00,000. किधर से लाएंगे? मुद्दा समझ में आ रहा है? ये बात सही है, जो जा रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा. आज की आज दे ही नहीं सकते, ये झगड़ा करेगा फिर? नहीं. प्रॉफिट के लिए तो झगड़ा कर ही नहीं सकता, बट उसके पैसे के लिए झगड़ा करेगा? नहीं. उसके घर वाले झगड़ा करेंगे? करना चाहिए ना. हमारा पैसा हमको दो, पर क्यों नहीं दे सकते आज अपन? देंगे किधर से? देखो ना, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भावनाएं समझ में आ रही है भाई? अगर उसको, अगर उसने एकदम झगड़ा करके पैसा मांग लिया ना, तो अपन क्या हो जाएंगे? बर्बाद. और अपने साथ कौन और फंसेंगे बेचारे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, सब फंस जाएंगे. कस्टमर तो खुशी है, बोलेंगे साला अच्छा है मर, क्योंकि कस्टमर तो वो है जिससे पैसा आने वाला है, बट क्रेडिटर्स तो गया, पूरा बिजनेस हिल जाएगा. मतलब एक मर गया उसके वजह से और दो फैमिली गई, तो गवर्नमेंट बोलता है ये शाने ऐसा अचानक तू मर गया, तो इतना ही था तो पहले बोल के मरने का ना, कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरा पैसा रेडी रखना. तो हम रख देते, ब्याज के साथ रेडी रखते, गिफ्ट पैक करके. अरे सही है कि नहीं? सिंपल है, मेरे को बताओ, पॉइंट है कि नहीं? अचानक में तुम पैसा मांग ही नहीं सकते यार. मान लो तुम अचानक से जा रहे हो क्लास छोड़ के, तुम बोलेंगे अभी का अभी रिफंड दो, पॉसिबल है? मेरे को पैसे का जरूरत है, मैंने तुमको 5 महीने का इंस्टॉलमेंट दिया है, अब मेरे को इतना गरज है, मैंने बोला अभी का अभी पूरा क्लियर करो, पॉसिबल है? इमरजेंसी पैसा किधर भी पॉसिबल नहीं, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन. तो गवर्नमेंट भी क्या बोल रहा है? हाँ भाई राजेश भाई, जरा क्या ले, शांति ले भाई, जरा शांति ले, तेरा 5,10,000 है ना, मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, और लेट मिलेगा तो ब्याज के साथ मिलेगा. हमारे साथ कौन खड़ा है? गवर्नमेंट. जैसा गवर्नमेंट बोलता है उसके नाम पर पैसा अभी से ही जमा कर दे, मतलब गवर्नमेंट अपने भी कान पकड़ रहा है ना. वो मर गया उसका प्रॉफिट जमा कर, भले ही निकलेगा 9 महीने के बाद, आज जमा कर. वैसे ही वो गवर्नमेंट राजेश के घर वालों का भी कान पकड़ रहा है, बोलेगा ज्यादा उनको त्रास मत दे, नहीं तो जो है ना वो भी मिलेगा नहीं. अचानक से पैसा आ नहीं सकता यार, क्योंकि हमारा पैसा किधर अटका हुआ है? धंधे का पैसा भाई, पार्टनर जो पैसा लाते वो किधर जाता है? एसेट्स में. तो हमारा पैसा इधर अटका हुआ है, देखो ना. और देखो डेटर्स में भी 3,00,000 है, तो अगर उधारी मेरा आ गया डेटर्स का 3,00,000, आधा तो ऐसे ही निकल जाएगा उसका पैसा, ले चल निकल, और थोड़ा रुक, और मेरे को गुड्स बेचने दे, और पैसा आएगा, देते जाऊंगा देते जाऊंगा. पर अगर यही चला गया तो बिजनेस डिसोल्यूशन की नौबत आ जाएगी यार, तो तेरे वजह से हमारा क्यों जीवन खराब कर रहा, देते ना तेरे को पैसा ऐसा. तो कभी कभी क्या होता, फिर हम क्या करते, जो पार्टनर का बनता है ना मरे हुए पार्टनर का हिस्सा, वो हम उसको लोन में रखते. हम क्या बोलते हैं, ये पैसा हम फ्यूचर में देंगे. किसको? राजेश को. वो तो मर गया ना यार, तो लीगली वैसा नहीं लिख सकते, तो उसके एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब वारिस. देखो एग्जीक्यूटर मतलब बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करने वाला, टीचर टीच करने वाला, सिखाने वाला. एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करने वाला. क्या एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना मतलब कंप्लीट करना. क्या एग्जीक्यूट करेगा? विल. उसके सारे ट्रांजेक्शन्स, राजेश के सारे ट्रांजैक्शंस, राजेश के सारे काम, फाइनेंशियल के सारे
कमिटमेंट्स कौन एग्जीक्यूट करने वाला है अभी, उसका एग्जीक्यूटर। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, मरने के बाद तुम अपना नॉमिनी अपॉइंट करो। वो नॉमिनी का काम क्या है, एग्जीक्यूटर बन के सारी चीजें एग्जीक्यूट करना। मतलब राजेश के बिहाफ पे ये एग्जीक्यूटर सारा पैसा लेगा और देगा भी, उधारी भी तो रहेगी इसकी कुछ ना कुछ, सब कुछ वो एग्जीक्यूटर करेगा। इसके लिए बोलते हैं ना मरने के बाद हमारा त्रास फैमिली को होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटर कोई ना कोई बनता ही है और फिर उससे वसूल भी किया जाता है और उसको दिया भी जाता है पैसा। समझ में आ रहा है बात कि गेटिंग? तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा 5,10,000 फ्यूचर में जाने वाला है। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन ने कुछ बोला था कि मतलब क्या क्वेश्चन, ऐसा कुछ बोला जो पार्टनर मर गया उसका पैसा उसको देना है तुरंत कि नहीं देना, ऐसा कुछ कि लोन में रखना है रखना है, कुछ बोला है? तो नॉर्मल सिस्टम है डेथ ऑफ पार्टनर में। हम क्या करते हैं, जो भी मरे हुए पार्टनर का अमाउंट आता है बैलेंस, वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन में रख देते। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम दे देंगे। कभी कभी क्या होता है, या तो पूरा पैसा दे दो या पूरा लोन में रखो, या थोड़ा पैसा दे दो थोड़ा लोन में रख दो। मान लो राजेश के घर वालों को खाने के भी वांदे, तो हम दे देंगे थोड़ा पैसा। अपने पास कितना रुपया है, 1,00,000 तो है ही ना। अच्छा देखो ना, अपने सॉल्यूशन में अकाउंट में कुछ गया है क्या पैसा, कि एज इट इज पूरा 1,00,000 पड़ा है एज इट इज, तो 1,00,000 है, 20,000 नहीं दे सकते यार। जो पार्टनर ने इतना जिंदगी और मेहनत की है, हमारे साथ था, तो उसके लिए तुम 20,000 नहीं दे सकते। सिंपल है, तो थोड़ा दे देंगे थोड़ा लोन में रख देंगे, ऐसा डिपेंडिंग ऑन दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कॉन्सेंट के हिसाब से, दिस हाउ इट वर्क्स। गेटिंग? तो अभी हम क्या बोल रहे, ये 5,10,000 रुपया फ्यूचर में जाने वाला है। सेकेंड इफेक्ट डेबिट का, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। राजेश का एग्जीक्यूटर का लोन खत्म, पार्टनर का कैपिटल जाने ही वाला होता है, आज नहीं तो कल। इनका समय नहीं आया, इसका आ गया। लो देख लो आगे। अब बचे राकेश महेश, टोटल जो बचा वो टू बैलेंस कैरी डाउन। क्यों, इन लोग तो रिमेनिंग है, कंटिन्यू करेंगे ना बिजनेस को, तो बैलेंस कैरी डाउन किधर जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डेबिट का सेकंड इफेक्ट क्रेडिट, ये देखो इधर डन। कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा, सेम अमाउंट किधर आ जाएगा, कैश अकाउंट में, किधर आ जाएगा सॉरी, एसेट्स में कैश। और एक अकाउंट बचा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये बचा है ना, इसको भी क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल आया इधर लिखा, बचा कितना, किधर जाएगा, ऑप्शन ही नहीं बचा है कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज हो गया, ये देखो ये अकाउंट क्लोज हो गया, इधर जाने का संबंध नहीं, इधर तो गया ना ऑलरेडी, इधर क्या जाएगा और कुछ भी, तो ये भी गया। कैश अकाउंट संबंध ही नहीं, बचा क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में किधर जाएगा देखना ध्यान से, बैलेंस शीट में किधर रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन आया पहला इफेक्ट, बाय बैलेंस कैरी डाउन किधर, पहला क्रेडिट, तो दूसरा डेबिट माने एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट ना, हाँ या ना। अच्छा एक चीज बता, तो ध्यान से देखना, एडमिशन ऑफ पार्टनर देखो ना ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन था मेरे को बताएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस वाला, इधर इधर मिलेगा इंडेक्स में, ये देखो एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन 10। ये देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज दिस एसेट ऑलवेज डेबिट, कौन सा बैलेंस डेबिट की रेट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट की लॉस, डेबिट ऑल नेट प्रॉफिट नेट लॉस, लॉस वही तो है ये भी, ये देखो एसेट ना। अभी अपना डीओपी देखना, डेथ ऑफ पार्टनर एसेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्या है लॉस किसका, हमारा तो लॉस ही है क्योंकि हम पार्टनर को देने वाले पैसा, उसका फायदा है खत्म। सो फॉर अस दिस इज द लॉस अमाउंट विच इज गोइंग टू गो, वी आर गोइंग टू पे इट, तो एसेट। और कोई रीजन नहीं है एसेट लिखने का, ऐसा नहीं है कि आने वाला है फ्यूचर में, कि डेबिट बैलेंस है खत्म, अकाउंटिंग इफेक्ट है, ट्रांजेक्शनल इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो लॉजिक मत लगाना, ना हमारा ये पैसा है ना वो पैसा है जो आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, उल्टे का ये जाने वाला है। इसका सेकंड इफेक्ट इधर है ना, वो 15,000 इधर ही छुपा हुआ है ना, हाँ या ना। जिस दिन ये चला जाएगा ये भी निकल जाएगा, बहुत बढ़िया।
आर गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या है, जो ये हम प्रॉफिट ढूंढते हैं ना, किसका? मरे हुए पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जो वैल्यू मिलता है ये क्या होता है? 15,000 उस मरे हुए पार्टनर को मिलेगा, उसका फायदा, उसको क्रेडिट। तो पहला इफेक्ट किधर करते? कैपिटल के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, डेबिट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट खत्म डायरेक्ट। हम ये अकाउंट बनाते नहीं, क्यों? बनाने का फायदा ही नहीं। क्यों? डेबिट होएगा, क्रेडिट होएगा, टैली हो जाएगा। जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते क्या अपन डिसोल्यूशन में? सिर्फ एक क्वेश्चन में बनाया, क्या फायदा हुआ बनाने का? जमा करो, पे कर दो, वो तो बंद ही होने वाला है। तो ऐसे फालतू के अकाउंट बनाते नहीं। गुडविल अकाउंट बनाते एडमिशन में, क्यों? गुडविल आया है और बढ़ गया ना, तो अकाउंट क्लोज होने वाला है, तो बना के मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट दो इफेक्ट दे दो, खत्म। गेटिंग, गेटिंग। तो जो मर गया पार्टनर उसका शेयर हम ढूंढेंगे और उसका दो इफेक्ट क्या देंगे? कॉन्सेप्ट के साथ, मरे हुए पार्टनर को प्रॉफिट मिलने वाला, तो उसका फायदा, प्रॉफिट, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट मरे हुए पार्टनर के कॉलम में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट एक क्रेडिट, तो दूसरा डेबिट, डेबिट एसेट, एसेट ऑलवेज डेबिट। तो बैलेंस शीट के एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट फॉर अस इट इज लॉस बिकॉज वी आर गोइंग टू पे इट, गिव इट। आर गेटिंग क्या? और अंत में बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप चाहिए तो इधर वीडियो पॉज कर सकते हो, 5 मिनट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे दे दनादन 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 सारे स्टार क्वेश्चंस, स्टार एडजस्टमेंट्स, स्टार पोस्टिंग्स खत्म करेंगे। दिल थाम के बैठिए, थैंक यू। 5 मिनट पर्पस लिया, अभी डायरी देखो मत, आंख बंद करो, पूरा स्टोरी विजुअलाइज करो, क्या 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 करते, समझ में आ रहे? पूरा क्वेश्चन अभी बायोटिक भी हो गया रहेगा, तो सिर्फ सोचो एसेट्स किधर किधर जाता है, क्या क्या होता है अंदाज, फिर लाइबिलिटीज क्या क्या होता है, किधर किधर जाता है, फिर एडजस्टमेंट्स क्या क्या, कैसे कैसे ट्रीट करते, डेथ ऑफ उसका क्या करते, वगैरह 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 वगैरह, फिर आगे डिस्कस करेंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, आएगा मजा आएगा। क्या बोल रहे ऑनलाइन पब्लिक, करते हैं आगे कंटिन्यू। चलिए डन, तो पहला क्वेश्चन हो गया, चलते आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन 2 बोल रहा है पूरा देखना है, क्यों पूरा देखना है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन 2 में क्या बोला है बनाने के लिए? प्रिपेयर रमेश का कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, बस। तो रमेश कौन है? रमेश डैड जो मर गया। मतलब हम नॉर्मली क्या क्या बनाते? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, वर्किंग में कैश और बैंक। यहां पे सिर्फ मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बराबर। अच्छा अभी पहला क्वेश्चन देख के मेरे को बताओ, अगर मेरे को सिर्फ कैपिटल बनाना है वो भी मरे हुए पार्टनर का, तो मैं क्या नाम दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर मरे हुए पार्टनर का कैपिटल, 3 कॉलम, फिर एक कॉलम, तो सिर्फ यही बनाना है। हाँ, ये बनाने के लिए वर्किंग में क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये नहीं बनाया तो ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिला तो ट्रांसफर कैसे करेंगे मरे हुए पार्टनर के कैपिटल में? अच्छा, ये बनाएंगे वर्किंग में, ये काय को करना है यार, जरूरत ही नहीं। क्यों? इधर से इसमें कुछ नहीं जाता, इधर से जाता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट का गरज नहीं है, कैश और बैंक का गरज नहीं है। तो सिर्फ क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल और वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो सिंपल है भाई, सिर्फ ये बोला बनाने के लिए, तो सिर्फ ये बनाओ, बाकी किसी की भी गरज नहीं, क्योंकि ये बनाने के लिए बाकी की गरज पड़ती। ये बोला तो ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, बैलेंस शीट बोला तो वो भी, ये बात समझ में आ रहा है? तो 3 में से अगर पहला बोला है सिर्फ बनाने, तो सिर्फ वो बनाओ, दूसरा बोला तो पहला दूसरा, तीसरा बोला तो पहला दूसरा तीसरा, सिंपल पॉइंट है यार। सो डिपेंडेंसी ऐसा है, एक बनेगा तो ही दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो ही तीसरा। तो देखो क्या बनाने बोला है, तीसरा बोला तो सब बनेगा, दूसरा बोला तो 2, ये बोला तो ये, खत्म। इज दैट क्लियर? सिंपल। तो हम क्या बना रहे देखना, जो मर गया पार्टनर, कौन मरा? रमेश भाई मर गए, तो रमेश भाई का कैपिटल अकाउंट एंड वर्किंग नोट ना, तो वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट और बाकी वर्किंग्स। क्वेश्चन ने क्या बोला है?
गिव द वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल. प्रॉफिट मतलब किसका प्रॉफिट? मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा. कब तक का? जब तक वो जिंदा था तब तक का. और कौन सा ही प्रॉफिट ढूंढेंगे? और गुडविल का. जो मर गया वो गुडविल लेके जाएगा. तुमने भी मस्त टर्न मारा. गुड, यही चाहिए. तो जो मरा हुआ पार्टनर है वो गुडविल लेके जाएगा. तो हम माने ओल्ड पार्टनर, सॉरी बिजनेस. हम मतलब बिजनेस 100% करेक्ट, बट पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के बड़े से बोल रहा हूँ. मतलब ओल्ड पार्टनर्स मरे हुए पार्टनर को गुडविल देंगे. उनको गुडविल, वो उसको गुडविल मिलेगा. सिंपल गेट देखते वो समझ में आएगा सब इधर कैसे क्या करना है. लेट स्टार्ट. अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व? नहीं ना, पर हम पूरा फ्लो सेम रखेंगे. ध्यान से सुनना पब्लिक, ध्यान से एकदम सुनना. भले ये क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने, हम बना रहे हैं क्या? मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट में. बोलते जाइए, मेरे साथ साथ बोलना है. आपको बोल रहा हूं, जो देख रहा है वीडियो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. तो मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे और वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे. दैट्स इट. बैलेंस शीट, कैश बैंक बना नहीं रहे. मतलब पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, मतलब पूरी चीजें बनानी ही नहीं है, आधी ही बनानी है. पर क्वेश्चन पूरा देखना है, ध्यान से समझना. समझ में आ रहा है? सिंपल. मान लो हम घाई में, हमको सिर्फ चाय बनाना है और बेसिन में सारे बर्तन पड़े, तो तुमको सारे बर्तन देखने नहीं पड़ेंगे. चाय का सामान किधर रहेगा किसको पता है? पतीली हो सकती है, कप हो सकता है, चन्नी हो सकती है. तो देखना तो स्क्रीन सब कुछ करना पड़ेगा. यू नीड टू स्क्रीन एवरीथिंग. इफ यू वांट टू सिलेक्ट टॉपर्स यू नीड टू स्क्रीन एवरीवन. तुमको बैग में से चाकू निकालना है, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग सब करना पड़ता है. वैसा है, ध्यान से समझो, मुद्दे को समझो. आई होप आपको एग्जाम्पल मिल रहा है. तो हम स्क्रीन पूरा क्वेश्चन करेंगे और हमारे काम काम की चीजें उठाते जाएंगे, फेंकते जाएंगे. सिंपल, गेटिंग दिस? सो अपना सीक्वेंस इज वेरी सिंपल. यू नीड टू फर्स्ट टिक. फिर तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे तो टिक क्यों करना है? मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम से आप करो, रिजल्ट बेस्ट मिलेगा. डेथ ऑफ पार्टनर में मिस्टेक नहीं होगा. और ये भी हम करने वाले 20 मिनट के अंदर. कितने मिनट में होता है डेथ ऑफ पार्टनर? 25 मिनट्स का टारगेट है. हाँ सॉरी, 25 मिनट्स का टारगेट है. कितने मिनट में होता है बताओ? 15 मिनट. ये देखो 15 मिनट लाइव है. बोलना मत, उनका फोटो बताओ, वीडियो बताओ, सुन लो बस. तो लाइव है तो 15 मिनट में खत्म करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर. तो ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है? विश्वास करिए, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. गेटिंग गाइस? प्लीज यार, ये टेक्निक सिस्टम, आदतें इंपॉर्टेंट है यार. बस वही है, लाइफ में ही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस आदतें सही रखो, लाइफ सेट. तो आदतें सही रखो, अकाउंट्स सेट. सेट माने सिंपल. तो चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक दे देना. धन पहला आरडीडी किसको? टिक डेटर्स. प्लांटर मशीनरी को टिक. इन्वेस्टमेंट को टिक. क्रेडिटर्स को टिक. प्रॉफिट फॉर 17-18 माने कौन सा साल चेक करते? पिछला साल. 17-18 पिछला साल. हे बापरे, बोंग्या. कभी मर गया रे रमेश 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब 17-18 में. तो प्रॉफिट फॉर 17-18 मिलेगा आज. आज मतलब कब? अरे ये आज मरा ना, तो ये सारा काम अकाउंटिंग अपन कब कर रहे? आज. व्हाई आर वी डूइंग दिस अकाउंटिंग? बिकॉज पार्टनर इज डाइंग. तो व्हेन पार्टनर डाइज वी डू द अकाउंटिंग ऑन द डेट ऑफ डेथ. व्हेन पार्टनर इज एडमिटेड वी डू द अकाउंटिंग ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. व्हेन द पार्टनर रिटायर्स वी डू द अकाउंटिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. व्हेन द फर्म डिसॉल्व्स वी डू द अकाउंटिंग ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. जिस दिन हरकत होएगा उस दिन हम काम करेंगे अकाउंटिंग का. सिंपल है. तो 1 अक्टूबर आज के दिन हम है. क्वेश्चन बोल रहा है 17-18 का वॉज एस्टिमेटेड. इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट ही होगा ना. एक्चुअल प्रॉफिट कब निकलेगा? साल के एंड में 31 मार्च 2018 को. पर इसको अपन, तुम ऐसे ब्लैंक रखेंगे, अमाउंट दे दो ना, अंदाजा सस्पेंस में रख दो. सस्पेंस खुलेगा एंड में, पर सस्पेंस है ये तो बताओ, उसके लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा फिर. वो तो गया बेचारा वैसे, मतलब उसके फैमिली की लाइफ में. तो ये प्रॉफिट तो इसके लिए टिक करेंगे क्या? ये तो मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बोल रहा है ना, ढूंढेंगे. गुडविल, वाह गुडविल भी है.
ग्लूटिन के लिए टिक करेंगे? कैसे सॉल्व करना है देखेंगे ना, टेंशन के स्टार स्टार मतलब बाकी चीजें स्टार नहीं है, स्टार एक्चुअली ये है, ये भी तो स्टार है ना, बट पूरा ही क्वेश्चन देख रहे हैं इसके लिए लोड नहीं है, ये स्टार है, ये स्टार है, स्टार है, स्टार है, तो इंडेक्स में और एक पॉइंट आएगा सेकंड में क्या, बट मैंने क्या लिखा है सी फुल, इसके लिए जनरेट ही नहीं है तो उधर में लिखना नहीं है कुछ भी, इधर स्टार है, बराबर समझ में आ रहा है क्या, स्टार ये नहीं है, गुडविल कैलकुलेशन अपने को आता है, स्टार क्या है, रमेश शेयर ऑफ गुडविल उसको देना है, कैसे देखेंगे, ये स्टार है गुडविल कैलकुलेशन स्टार है, एओपी में सो रहे थे क्या, उधर सोएंगे तो इधर हाँ मर जाएंगे, बहुत सही बोले, अच्छा तो देखो ये तो ठीक है, देख लेंगे कैसे करना है गुडविल का, सैलरी वॉज पेबल टू मतलब किसको, पॉइंट ऐसा है कि आप ये टिक करते ना तो गुडविल के लिए टिक होगा, सैलरी है ऊपर किधर, तुम्हारे हुए पार्टनर का सैलरी देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिक करते, कैपिटल ड्राइंग को तो कभी टिक ही नहीं किया अपन ने, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में इनर आउटर नहीं होता, कौन बोला, क्या बात है बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, ड्राइंग्स टिक करेंगे खत्म, सॉल्व करेंगे तब देखेंगे अच्छे से, फिलहाल सिर्फ क्या करना है टिक, पहला सिस्टम याद रखो एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक, पंचायत स्टार्ट किधर से बताइए, ऐसे छूट आउट आगे फेंकते जाएंगे, डेटस आर और आरडीडी बोलो होल्ड, किस दबाए आरडीडी, मिक्स मत कर देना अभी, अब मिक्स नहीं होएगा, शुरू शुरू में जब पढ़ते होंगे ना तो देखो ऐसे जंबल अप होते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स, पर अब इजी है, कितने बार दस दस बार पूरा सिलेबस किया है प्रीलिम्स के द्वारा तो अब सेट है, अब क्लियर पता है ये आरडीडी इधर, अब देखो खुद से भी बोलते आता रहेगा नहीं आता रहेगा, आरडीडी किधर किधर क्या क्या, गुडविल का किधर किधर क्या क्या, पार्टनर्स लोन का किधर किधर क्या क्या, ये मजा है यार पूरा रिवीजन करने का, हाँ तो डेटस किधर जाएगा, एसेट इनर कॉलम टिक, बराबर एसेट बैलेंस शीट बना रहे नहीं। तो लिखेंगे नहीं पर देखेंगे सब जो लेना है ले लेंगे और अपने सॉल्यूशन में वर्किंग में लिख देंगे, जो नहीं लेना है नहीं लेंगे पर देखना सब पड़ेगा, स्क्रीन पूरा क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीनिंग चलो लेट स्क्रीन आगे लेस आरडीडी होल्ड ना, देखेंगे क्या होता है एडजस्टमेंट के टाइम, फिर एसेट 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 जो हमने बनाया बैंक वर्किंग नोट का बैंक अकाउंट डेबिट बनाया नहीं, पूरे कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर्स कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट सिर्फ, अच्छा इधर देखना ये ना मार्क करके रख लेने का कौन मर गया, समझ में आ रहा क्या भाई, पब्लिक ध्यान से, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बोलता हूँ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई पार्टनर मरा है या कोई पार्टनर रिटायर हुआ है उसको मार्क कर दो क्रॉस, ऐसा मतलब ध्यान रहता है जा रहा है, ये गया ना इसका शेयर, ये देखो इसके डोके पे क्रॉस तो ये जा रहा है, तो रमेश का कैपिटल ना किधर जाएगा, रमेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन शुरुआत बीडी से, एक का है तो एक का वैल्यू खत्म, 2,40,000 आगे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांट दो, सिंपल है, तो सिर्फ किसको बांटेंगे ये क्वेश्चन में, रमेश को, तो उसको मिलेगा उसको क्रेडिट ना बाय, सेम ही है ना उसका हिस्सा, कितना है उसका हिस्सा 3,2,5,1,6 1/6 1/6 6 1 13 13,000 वो सिंपल है, सॉरी 16 कैसे, एक मिनट 6 1 6 36 36 ये 36 16,000 बराबर 16,000 सिंपल है, डन 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 आगे कोई टेंशन, थैंक यू, ये हो गया बैलेंस शीट पोस्टिंग हुआ समाप्त, जो चाहिए था लिया जो नहीं चाहिए था अब तुम बोलो नहीं देखना पड़ेगा पूरा, पूरा देखना चपड़े, तो अगर पूरा देखना है तो पूरे अपने सीक्वेंस में जाओ ना प्रॉपरली, झंझट ही नहीं ना, आगे टिक करने का जरूरत है क्या, नहीं पर क्यों कर रहे, अपना सिस्टम केयरफुली हैंडल होता है, सारी चीजें स्क्रीन हो जाती है, देखो आरडीडी 5% का ना कितना था, 1,00,000 का डेटस था, आरडीडी था 10,000 ठीक है, 1,00,000 का डेटस ना, अब कितना आरडीडी है, ये कौन सा आरडीडी, न्यू आरडीडी, ये दिखेगा किधर बैलेंस शीट में डेटस से लेस 5%, 10% का आधा, 10 का आधा 5, 5,000 लेस होगा, पहला आरडीडी कितना था पुराना 10, अब कितना है 5, आरडीडी बड़ा कम हो गया, फायदा नुकसान, प्रॉफिट की लॉस, डी डेबिट सी क्रेडिट, कम पैसा जाएगा कम पैसा डूबेगा, बाय आरडीडी 5,000 खत्म, ये कैसे करने का, रफ में इतना डिटेल में लिखने का गरज है, तो बोलो मैंने क्यों लिखा है,
अरे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मेरे को भी पता है चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, पर ये फास्ट करने वाला पहला है, इसके लिए जरा हम लोग धीरे धीरे धीरे। ठीक है, हाँ तो एग्जाम में आप सुमड़ी में उड़ा देने का, इतना सब लिखने नहीं, सीधा अमाउंट सही है। अरे जोर में, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट दे देखो ऐसा रिस्पेक्टिवली ना, तो पहले का पहला, हाँ तो प्लांट एंड मशीनरी 80 है, कितना था 85, 5000 से कम, फायदा नुकसान इससे लेस वो तो हम कर रहे नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्लांट मशीनरी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 14 कितना था, पहला इफेक्ट इसमें एड, सेकेंड फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट 60 बराबर। ऑफ द क्रेडिटर्स एन एडम ऑफ 6000 वाज नो लॉन्गर लाइबिलिटी, मतलब ये 6000 जाने वाला नहीं है, क्या करेंगे क्रेडिटर से लेस एओपी किया है तो खत्म है, ये बकवास है ये चीजें। मैंने की नोट्स में भी देखो, याद है क्या लिखा हुआ है, याद है क्या की नोट्स, की नोट्स याद ही नहीं बोल रहे साला, 1000 रुपए का बुक दिया तुमको बोल रहे जवाब भी नहीं देते, ऐसा नहीं किया मैंने, बोला ऐसा नहीं किया, हाँ नहीं तो लिखेंगे कमेंट पे 1000 का दिया तो क्या 25000 दिया है ऐसा बोलेंगे वो भाई। फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑन रिवैल्यूएशन रेफर टॉपिक ऑफ, बस तो सब किया है बिन मतलब पंचायत डबल डबल फालतू काम है वो। चलो तो क्रेडिटर्स 6000 अब जाएगा नहीं तो क्रेडिटर्स हो जाएगा कम, क्रेडिटर से लेस वो हम नहीं कर रहे। सेकंड इफेक्ट क्रेडिट फायदा है ना, कम पैसा जाएगा 6000 खत्म। आगे प्रॉफिट 17-18 इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,20,000 है, कब मरा है भाई 1 अक्टूबर को, तो कब से कब तक, इस साल में ना, मार्च नहीं, मार्च तो एंड हो जाता, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना धंधा करके गया, 6 महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा, तो 1,20,000 का आधा 60,000 उसका, 60,000 में से उसका हिस्सा जो कितना है 1/6 कितना 10,000 6 10 60 कोई बात नहीं रे दैट्स ओके, वो वर्किंग में करेंगे तो होगा, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा वर्किंग करना तो वो नॉर्मल है, अभी ना डिस्कस कर रहे हैं 10,000 रुपया ये फाइनल प्रॉफिट है उसको जो मिलेगा वो सस्पेंस, उसको मिलेगा पक्का, उसका फायदा उसको प्रॉफिट उसको क्रेडिट रमेश के कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सेकेंड इफेक्ट एसेट बना रहे नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाने का गरज है क्यों, क्लोज हो जाता है, और कौन सा अकाउंट है जो क्लोज हो जाता है, बनाते नहीं हम गुडविल अकाउंट, बनाते नहीं क्लोज हो जाता है, डीओपीएफ में पार्टनर का लोन अकाउंट जमा करो पे करो डायरेक्ट पे करो क्लोज ही होने वाला है, बनाओ मत, बिन काम के अकाउंट बनाने के नहीं, क्वेश्चन भी बोलता नहीं, बोलेगा तो बनाएंगे नहीं तो वर्किंग में करो या ना करो कैशबैंक जैसा है वो तो, बट कैशबैंक काम का है उसमें बहुत सारे एंट्री होते करके हम बनाते। आगे पुड़े का है रे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 times एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल का एवरेज है, पांचों प्रॉफिट को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 5 करेंगे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 5 सालों में हमने इतना कमाया हर साल, और हमको क्या लगता है गारंटी से आने वाले 2 साल 2 times ना, तो आने वाले 2 साल में हम इतना प्रॉफिट गारंटीड कमाएंगे, मतलब 3,60,000 कमाएंगे तो ये हमारा गुडविल है, हमारी ताकत की वजह से हम इतना कमाने वाले तो ये हमारा ब्रांड वैल्यू नहीं है खत्म। तो अब तुम देख मतलब गुडविल ऐसे ही निकलता है, मान लो मैं एजी आई हूं मैं बोलूंगा मैं 10 लाख तो कमाऊंगा देख बाकी कितना कमाएंगे, कितना गारंटी देते बता, जो ज्यादा गारंटी देगा उसका ज्यादा नाम, सिंपल है, एंड योर गारंटी विल डिपेंड ऑन पास्ट 100%। तुमने 5 में 1 लाख कमाया तो अब मैं 10 कमाऊंगा कैसा, ऐसा नहीं होता, तो योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर पास्ट, आज तक 40% भी नहीं मिला अभी 100 की बात कर रहे तो वैलिड नहीं है, अगर सही है तो दिखना चाहिए फिर एफर्ट्स में, बात समझ में आ रहा है, तो करंट अभी तक किया है ना काम 6 महीने के बाद मारा ना पार्टनर तो 6 महीने में फिर दिखेगा, अगर मान लो पिछले साल तक तुमने 1 ही लाख कमाया इस साल 10 का गारंटी दे रहे तो अभी तक कितना कमा लेना चाहिए 5, नहीं तो कस्टमर रेडी दिखने चाहिए ऐसा, समझ में आ रहा है, सिग्नल चाहिए जो भी है, तो नॉर्मली योर फ्यूचर इज बेस्ड ऑन पास्ट, इसके लिए पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल ढूंढा जाता है, गुडविल कितना आया 3,60,000। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू, अरे मर गया ना पार्टनर तो गुडविल लेके नहीं जाएगा,
अपने पूरा डिस्कस किया ना अभी तक ये पूरे धड़े में, तीन पार्टनर है, तीन में से एक गया तो जो जाएगा गुडविल लेके जाएगा, ये तीसरा क्या बोलेगा दोनों को, ए सुन हम तीनों ने बिजनेस किया था आज तक, मैं मर गया, ऐसा कौन बोल रहा है, जो पार्टनर मर गया ऊपर से उसकी आत्मा बोल रही है ऐसा समझो, हाँ तो वो बोल रहा है क्या, ए सुन अभी तक हम तीनों ने बिजनेस किया था, आज मैं अचानक से मर गया, पर तुम्हारे बिजनेस को मैं चोट नहीं पहुंचा रहा, तुम्हारा बिजनेस तो चलने ही वाला है जिसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, तो मैं तुमको परमानेंट पैसा नहीं मांग रहा, पर मेरे को कुछ तो दे मांडवली कॉम्पेंसेशन, क्यों मेरे नाम का फायदा तुमको भी होने वाला है, पूरे लाइफ में होने वाला है कि कुछ टाइम तक, इसके लिए मैं कुछ टाइम का ही मांग रहा हूं, देखो ना भाई दो ही साल का एक्सपेक्टेशन मांगा है, 20 साल का थोड़ी मांगा, क्यों दो साल बाद क्या मेरे घर वाले ही भूल जाएंगे तो तुम कौन, तो दो साल बाद तो तुम इंडिपेंडेंटली बिजनेस चला लेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, पर कुछ समय का तो मेरे को गुडविल दे, तो मैंने इतने साल जो काम किया है मेहनत किया है उसका रूह अफ़ज़ा मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, खत्म, गेटिंग समझ में आ रहा है, तो भरपाई मेरे को चाहिए, सिंपल, आर गेटिंग, तो जो पार्टनर मर रहा है वो गुडविल लेके जाएगा, गुडविल मतलब उसके मेहनत का फल, एडमिशन पार्टनर में वही होता ना, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिलता है, नया पार्टनर देता है, क्यों मिलता है, मेहनत का फल, सिंपल और क्या है, तो जो पार्टनर जा रहा है गुडविल लेके जाएगा, रिटायर होने वाला भी मरने वाला भी लेके जाएगा, तुम्हारे भी पार्टनर को गुडविल मिलेगा पूरा, पूरा मिल गया तो गया धंधा, फिर तो उसका हिस्सा कितना था, 1/6, इसका 1/6 60,000 उसको मिलेगा मरे हुए पार्टनर को, तो मरे हुए पार्टनर का फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय गुडविल, कौन देगा इनको गुडविल, बचे हुए दो पार्टनर्स, तो उनको डेबिट, इधर बनाया नहीं है, बनाते तो करते पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ओल्ड पार्टनर्स को टू गुडविल, कौन सा रेशियो, गेन रेशियो, क्योंकि ये जो मर रहा है उसकी वजह से दो लोगों को फायदा हो रहा है, ये देखो क्या रेशियो था कितना था 6 रुपया बराबर एक गया, तो अब ये 6 रुपया इन लोग ही बांटेंगे 3:2 में, बात समझो, समझ में आ रहा है, तो बाकी दोनों का गेन है, तो जो 100 रुपया पहले तीन लोग बांटते थे, जो 6 रुपया पहले तीन लोग बांटते थे वही 6 रुपया वही 100 रुपया 1,000 रुपया कुछ भी ले लो दो बांटेंगे, तो दो को फायदा नहीं है उसके जाने से, खत्म, समझ में आ रहा है, मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीइंग दिस वन शॉट वीडियो, तो एक्चुअली जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, डिटेल कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में मिलेगा, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो लेक्चर वाले वीडियो में, डन गाइज, समझ में आ रहा है, तो इसको मिला इसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, बाकी दो को डेबिट, आने वाले क्वेश्चंस में अपन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस है जिसमें पूरा पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, तो ये हो गया सिंपल, सैलरी 5,000 वाज पेएबल टू हिम, किसको पे करना है, मरे हुए पार्टनर को, तो मरे हुए पार्टनर को क्रेडिट, क्योंकि उसको मिलेगा उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट 5,000 पर मंथ, कितना टाइम था ये 5,630,000 बाय सैलरी, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इधर कौन सा आएगा सिर्फ एसेट रिवैल्यूएशन, तो सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा सैलरी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट याद नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा, साल के एंड में, तो किधर जाएगा सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, ध्यान रखना मैं लास्ट में गवर्नमेंट टेस्टबुक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, सरप्राइज एलिमेंट है उसमें, पूरा बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, तो दिल थाम के बैठिए फिलहाल, रेडी गेटिंग दिस, बट ये ध्यान रखना डबल इफेक्ट गेटिंग, ओके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% क्या होगा, पार्टनर को मिलेगा मरे हुए पार्टनर को उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, अच्छा कितना मिलेगा बताओ 5% ना, कितना था उसका कैपिटल, अभी देखा मार्क करने का फायदा क्या, नाम याद रखने का गरज नहीं, कितना है 2,40,000 उसका 5% कितने महीना क्या 6 महीने का, क्योंकि आज मर गया ना तो आज इसका कैपिटल खत्म, हम वो कैपिटल को किस में ट्रांसफर कर रहे, लोन में, तो कैपिटल थोड़ी रहा वो, तो 5% 6 महीनों के लिए, अरे बराबर, ये देखो
6000 मिलेगा, उसका प्रॉफिट उसको क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फाइनल अकाउंट्स नहीं यार, बट आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो क्या बनाएंगे, सस्पेंस बना के उसमें डाल देंगे, एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा सब कुछ, बट आज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट ईयर एंड। इफ यू प्रिपेयर इट टुडे इट इज रॉन्ग, टेक्निकली रॉन्ग, सो यू नीड टू प्रिपेयर रफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज नोन एज सस्पेंस। सम पीपल ऑल्सो गिव द नेम ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम या प्रॉफिट एंड लॉस ड्राफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रफ, कुछ भी नाम दो यार अपने मतलब का है, तो रूल्स ने नाम दिया हुआ है हम वो नाम वापरते हैं, खत्म है। गेटिंग ना, लॉजिकल लग रही है चीज़ है ना। हाँ, इसका सेकंड इफेक्ट इधर क्यों नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है ना, किधर ये इधर 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 संबंध ही नहीं, इधर सिर्फ एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा आगे, यस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000 क्या होगा वो पे करेगा, ये सब फाइनल अकाउंट्स में देखा है डिटेल में यार, तो अभी उतना नहीं करते डिस्कस है ना। पार्टनर ड्रॉइंग विड्रॉ करता है ना पैसा, तो इंटरेस्ट देगा, तो उसका नुकसान उसको डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सीधा अमाउंट दिया, अमाउंट नहीं दिया परसेंटेज दिया है तो ड्रॉइंग्स पे परसेंटेज निकालने का, कुछ नहीं बोला तो 6 महीने का, अगर डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का, डेट दिया है तो देखने का कब से कब तक कितना, खत्म। ये ध्यान रखना फाइनल अकाउंट में किया है। ड्रॉइंग्स 5000 पर मंथ, 5 6 30 ड्रॉइंग्स मतलब पैसा विड्रॉ किया, तो पार्टनर के डेबिट में ना, क्यू डेबिट द रिसीवर टू ड्रॉइंग्स, इसका सेकंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का ट्रेडिंग पार्टनर्स कैपिटल ही तो है। ड्रॉइंग मतलब क्या, अभी तो बात किया पूरा, इसके लिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट समझो, साथ साथ बोलो ना, सिंपल है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, हाँ जोर से, पैसा विड्रॉ किया तो क्या, बिजनेस से नहीं, बिजनेस में मतलब ध्यान है, बिजनेस से बोलते जाने का, बिजनेस से कैश या बैंक गया, तो सेकंड इफेक्ट कैश या बैंक के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स या बाय कैपिटल कुछ भी लिख सकते, फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही है, अरे गुडविल विड्रॉन यार इधर ही आता ना, टू कैश बाय कैपिटल या टू ड्रॉइंग्स बाय ड्रॉइंग्स, अरे कुछ भी लिखो यार एक ही बात है, उधर गुडविल का विड्रॉ करते, इधर ड्रॉइंग्स का विड्रॉ किए, क्या है वो ड्रॉइंग्स ही है और क्या है, गुडविल विड्रॉ करना भी पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ, नहीं समझ में आया पक्का ना। हाँ डन 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 डन, क्लोजिंग पहला क्या क्लोज करेंगे, ये ज्यादा आया ये लिखा, इसमें से माइनस किया जो बचा इसको सिर्फ इसमें बांटा, बाकी लोगों को क्यों देना है, वो बनाने का ही नहीं है, रफ है वैसे भी, इतना सब करने का भी नहीं, तो 11000 टू का सेकंड इफेक्ट किधर, रमेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट, ये क्लोज करेंगे, जो बचेगा उसके लोन में। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, तुमको समझ में आ रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन किया और मैंने हर जगह पे दो दो इफेक्ट की बात करी है, इससे ऑटोमेटिकली अपना 24 बार पूरा टॉपिक रिवाइज होता है अगर तुम ये मेथड से करेंगे तो, सुमड़ी में शॉर्टकट में निपटाएंगे मजा नहीं आता ऐसा, एग्जाम में उतना सब तुमको नहीं करना है, बट सोचना तो पड़ेगा ना, नहीं सोचेंगे क्या, जैसे ये ड्रॉइंग्स सोचेंगे नहीं, पहला इफेक्ट इधर, हाँ दूसरा किधर, कैश, हाँ मतलब इसमें नहीं इसमें भी नहीं, दूसरा इफेक्ट मतलब, तो पूरा स्क्रीन करना पड़ेगा तभी समझेगा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, या किधर नहीं जा रहा है किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है क्या। बहुत लोग क्या करते, जो बनाने को बोला ना उतना ही देख लेते और करते वैसा सॉल्व, मेरे को टेक्निक सही नहीं लगती क्योंकि उसमें मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा है, वो वल्नरेबल है फिर मेथड, किधर भी गड़बड़ हो सकता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा गड़बड़ हो गया, और नहीं तो फिर करेंगे तो वापस चेक करो, ये तो मूर्खपना है यार, उससे अच्छा तो करते टाइम ही एकदम कड़क करो, लास्ट में 15 मिनट अपना बचता है ना नॉर्मल टाइम के हिसाब से, ऐसे तो आधा घंटा ही बचता रहेगा, कितने लोग बचा लेते आधा घंटा आराम से, हाँ तो बचता ही बचता है, तो वो टाइम में क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर डिटेल में चेक करेंगे,
क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा क्या? एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, हाँ, तो उसमें पूरा पेपर वापस चेक करेंगे डिटेल में। अरे पागल है क्या? मतलब पहले सॉल्व किया, फिर डिटेल में चेक करो, फिर जो डिटेल में चेक किया उसमें गलती हुआ रहेगा तो फिर चेक करो। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, करते टाइम हाँ अच्छे से डिटेल में पूरा स्क्रीन करो, ताकि बाद में सब न। तो बहुत से लोग का होता है यार, फाइनल अकाउंट में अलग अलग टॉपिक्स में एक पोस्टिंग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं यार? फोकस, बोल बोल के, सबसे इंपॉर्टेंट। पर एग्जाम में मन में बोलना, बोलना पर मन में। गेटिंग दिस सीक्वेंस क्लियर? अरे हाँ या ना? तो क्वेश्चन टू हुआ समाप्त, कीजिए आगे देखते। टाइम चाहिए रिवाइज वगैरह करने, ब्रेक ऐसा श्योर ना? चलो क्वेश्चन थ्री देखते हैं, एडजस्टमेंट क्या बोला है। क्वेश्चन थ्री में क्या बोला है बनाने के लिए? पूरा क्वेश्चन क्या नहीं, रिवैल्यूएशन और केशव। देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ मरे हुए पार्टनर का कैपिटल था, तो वर्किंग में हमने बनाया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। इधर खुद ने ही बोल दिया, रिवैल्यूएशन भी बना ले, मरे हुए पार्टनर का कैपिटल भी बना ले, जनरेट ही नहीं। पूरा देखने का क्या जरूरत है? जरूरत है, अभी तो किया है सेम मेथड पे। स्विच स्टार, तो स्टार में क्या है? ये लॉस, मतलब एवरेज निकालते टाइम क्या करना है? चारों को एड, एक को लेस। ये देखो, एक दो तीन चार एड, एक लेस, इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय फाइव, वो तो नॉर्मल है। केशव शेयर वॉज गिवन टू हिम, क्या करेंगे? केशव को पैसा मिलेगा, केशव को क्रेडिट, गुडविल ना, और बाकी दो पार्टनर्स देंगे उनको डेबिट। कौन सा रेशो? गेन रेशो ढूंढने का, चेक करने का, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है, मतलब न्यू रेशो ओल्ड रेशो जैसा ही है भाई। रेशो क्या था? 5:3:2। ये मर गया, बचा क्या? राम माधव। कैसा बांटेंगे प्रॉफिट? 5:3 में वो बदलेंगे उनका शेयर, और राम ऐसा बोलेंगे या माधव ऐसा बोलेगा, केशव गया तो अब ज्यादा पैसा मेरा। ऐसा थोड़ी होता, सही कि नहीं? पॉइंट समझ में आ रहा है? इधर भी वही था, इधर था न्यू रेशो दिया था, तो हमने क्या बोला? 3:1 था, रमेश गया बचा, राहुल और रोहित बांटेंगे 3:2 में, तो उनका 3:2 था, खत्म। इनका भी, राम और माधव का 5:3 था, है रहेगा। तो अगर रिश्ता बदल नहीं रहा, मतलब ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो विच इज इक्वल टू गेन रेशियो, तो ढूंढो गेन रेशियो या मत ढूंढो, सेम ही आने वाला है। पर बटेगा तो गेन रेशियो में च, तो बोलते टाइम बोलने का गेन रेशियो, लेने का ये वाला रेशियो, एओपी एओपी ऐसा। तो ज्यादा हो, फिर ये कमीशन 2000 रुपया पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। बहुत सिंपल है यार, सैलरी जैसा है। केशव मरे हुए पार्टनर को कमीशन मिलेगा, कब मरा? 31 जुलाई, अप्रैल में, जून जुलाई, 4 महीने में मर गया। 2000 × 4 8000 मिलेगा, उसका फायदा प्रॉफिट, उसको क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बाय कमीशन। सेकंड इफेक्ट, हम पे करेंगे हमारा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या बात है यार, तो ऐसे टाइम पे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ प्रॉफिट का कैलकुलेशन है तो नहीं बनाएंगे, दो तीन एंट्री रहेंगे तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कुछ टेंशन नहीं, क्वेश्चन देखने का समझ ही जाएगा, तो वर्किंग में और खींच देना टी, खत्म। हाँ या ना? आगे चले और कुछ स्टार? चौथा क्या बोला रे बनाने? बोला वीरेंद्र का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। ए यार ये थोड़ा अजीब था। देखो वीरेंद्र मर गया, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या बनाएंगे? करके बना के करेंगे क्या? एग्जीक्यूटर के साथ कुछ होता है क्या? हम बिजनेस है, हमारे पार्टनर कितने? 3। जो मर रहा है उसके एग्जीक्यूटर के लोन में हम ट्रांसफर करते पैसा, तो उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के कुछ मतलब नहीं है, बनाना उसका कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखो। हाँ अगर बनाना ही है तो क्या बना सकते? उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। अरे हमारे किताबों में हम एग्जीक्यूटर का नाम लिखते कि एग्जीक्यूटर का लोन, तो अगर बनाना भी है तो क्या बना सकते? एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, सिंपल है।
हमारा इसके एग्जीक्यूटर के साथ कोई संबंध हिच ना ही च, खत्म। तो एक गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जितने भी बुक्स है सॉल्यूशन वाले, सब में भी यही किया है, कैपिटल अकाउंट ही बनाया। टेंशन नहीं लो, एग्जाम में आ गया कैपिटल बनाना, हम स्मार्ट है, थोड़ा बुद्धि भी लगाया करो। फुकड़ गए मार्क्स चाहिए था लोगों को, खुशी हो जाते रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन आया तो दिमाग खराब नहीं होता रॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो, बट फिर भी खुश हो जाते, छोड़ना फुकड़ का मिल गया ना बस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है। रेफरेंस क्वेश्चन 8 का दिया है, क्या अभी का भी देखेंगे? ये आदत डालना चाहिए आपने भी। ये देखो, एक मिनट, क्या क्यों दिया क्वेश्चन 8 का? ये देखो इधर इधर रेफरेंस क्वेश्चन 4 दिख रहा है, ये ऐसा रेफरेंसेज लिखने का फायदा। क्या बोला है? ऑल्सो फातिमास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, इधर भी फातिमास एग्जीक्यूटर्स लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक था शायद। हाँ, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखा। देखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा? उसका लोन अकाउंट बनेगा, दिख रहा है? तो इधर कैपिटल अकाउंट भी बोला है बनाने, और उसका लोन अकाउंट भी बोला, तो लोन अकाउंट बना सकते हैं, बनाना तो दर्जा से और कुछ नहीं। ठीक है, चलो क्लियर है, इसका पॉइंट समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इधर क्या बोला है? हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट फोर ईयर, कैलकुलेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट, डेसिमल है। ओके, डेसिमल वाला कैलकुलेशन देखते। अच्छा, प्रॉफिट निकालने का है अप टू डेथ ना, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर ईयर्स, मतलब क्या? अब हम क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनर मर गया वीरेंद्र, उसको अगस्त ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? अमाउंट दिया है अभी तक? अमाउंट दिया था, देखो ये वाला ना, प्रॉफिट वाज एस्टिमेटेड एट, देखो साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया था, क्वेश्चन 2 में भी दिया था। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फर्स्ट में भी दिया था, मतलब क्या? जो पार्टनर मर रहा है, जो साल में वो मरा, उस साल का अंदाजा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि उसके हिसाब से हमको उसका कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। बट क्वेश्चन नंबर 4 में अमाउंट नहीं दिया है। क्या बोला है 4 में? जो पार्टनर मर रहा है ना, हिज शेयर, ये हिज मतलब कौन है? मरेला। तो जो मरा हुआ पार्टनर है, उसका प्रॉफिट विल बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर ईयर, मतलब पिछले साल साल का एवरेज निकालेंगे। और क्या दिमाग को बोलेंगे? इस साल भी हम अंदाज उतना कमाने वाले, तो उसमें से मरे हुए पार्टनर का हिस्सा सस्पेंस में डाल दो, खत्म। समझ में आ रहा है? अच्छा है, उल्टा सिर्फ पिछला साल क्यों लेना है? पिछला 2-4 साल ले लो, हो सकता है पिछले साल बहुत कमा लिया और इस साल नुकसान कर दिया, तो पिछला 4-5 साल देखो, बेस्ट है उल्टा। साउंड्स लॉजिकल? ये सारा डिस्कशन यार मेन लेक्चर में किया है डिटेल में मैंने। तो देखो अभी कितना है 4 साल का प्रॉफिट, ये इसको डिवाइड बाय 50, ये है एवरेज प्रॉफिट पर एनम, मतलब एक साल का, यानी ये इस साल का अंदाज प्रॉफिट, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पिछले 4 सालों में हमने हर साल अंदाज 50,000 कमाया, तो इस साल भी 50 कमाएंगे। अब ये 50,000 में से हम वीरेंद्र के लिए 5 महीने का प्रॉफिट बाजू में निकालेंगे, तो इंटू 5/12। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना, तो डेसिमल में आता है यार, तो हम ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे, 50,000 में से 5 महीने का प्रॉफिट बाजू में निकाला, अब इसमें से वीरेंद्र का शेयर उसको देंगे, जो कितना है 3/6, सो इंटू 3/6 हिस्सा उसको। तो हम नॉर्मली क्या करते, ये पूरा कैलकुलेट करते, जो वैल्यू आता है इंटू 3/6 करते, बड़ी कैलकुलेट करें तो डेसिमल आ रहा है, फिर डेसिमल का 3/6 डिफिकल्ट है ना, तो बेस्ट क्या करो, पूरा एक फ्रैक्शन बना लो, मतलब 50,000 में से 5 महीने का प्रॉफिट बाजू में निकालो, उसमें से 3/6 उसका हिस्सा उसको दे दो। अब ये कैलकुलेट कर लो सब डिवाइड करके, इसका डिटेल देखना तो आप लेक्चर देख लो यार मेन, ये तो मल्टीप्लीकेशन डिविजन है, इतना क्या टेंशन है। तो आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू आता है 10,416.66, तो पॉइंट के बाद 5/5 से ज्यादा है, तो इधर का एक नंबर 10,417 आ गया, इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और
बैलेंस शीट एसेट सस्पेंस ना कुछ टेंशन इजी मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कैलकुलेशन हाँ और कुछ हाँ देर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का गरज नहीं ना कोई एसेट बढ़ा ना कम हुआ ना लाइबिलिटी बढ़ा ना कम हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं बांटने का सवाल ही सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोलो आगे चलो समझ में आ रहा है कोई टेंशन तो तीन चीजें डन क्वेश्चन फाइव एडजस्टमेंट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे कैश बनाएंगे पर फ्लो सेम क्या पहले एडजस्टमेंट पढ़ के ठीक फिर एसेट्स लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट्स दो इफेक्ट हर एक चीज बोलते जाओ काम की लिखते जाओ नहीं काम की बोलते जाओ सोचते जाओ छोड़ते जाओ समझ में आ रहा ना गल्ला है भारी जमीन बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यू ना ये कल जैसा मतलब एओपी में किया था वैसा नहीं है अंडर वैल्यू हो गया था क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया था याद है हमने बोला था देखो कौन से क्वेश्चन में किया था रे एओपी में बताओ ना इधर देखो प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू ये अंडर वैल्यूड था कम हो गया था तो उसको बढ़ा दिया जमीन बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड जमीन बिल्डिंग का वैल्यू ओवर था कम कर दिया अभी वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है देखना अभी करना है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड स्टॉक को अंडर वैल्यू करो मतलब कम करो एक्चुअली अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूएशन सही है कि गलत है गलत है कि अंडर वैल्यू होना मतलब कम होना नहीं होना चाहिए फिर भी कम होना ओवर वैल्यू होना जरूरत से ज्यादा होना अंडर वैल्यू जरूरत से कम तो जरूरत से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा सेम होना चाहिए बट इधर बोल रहे टू बी अंडर वैल्यूड मतलब इसको स्टॉक को 5000 से कम करना है तो -20% डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं वो भी वही है सेम समझ में आ रहा है क्या कोई टेंशन पक्का तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पे गेटिंग डन कुछ तकलीफ ये क्लियर है तो क्या करेंगे स्टॉक से लेस और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट क्योंकि हम वैल्यू को कम कर रहे हैं अंडर वैल्यू कर रहे कम वैल्यू कर रहे मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑब्वियसली हर एक को मिलता है जो मरता है उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है जब वो मरा तब तक का एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन इज ड्रॉइंग एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका ड्रॉइंग्स कितना है अच्छा इधर दिया है रोहन का ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज पहला बात इसका ड्रॉइंग है 25 किधर जाएगा पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग्स 25 बराबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है देखना ना इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो जो इसका ड्रॉइंग्स था अब वो ही अमाउंट इसको प्रॉफिट में भी मिलेगा बात समझ में आ रहा है सिंपल क्लियर है कोई टेंशन है पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला क्वेश्चन ने प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स मतलब कीप हिज ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स वो उसके पास ही रखेगा बट ड्रॉइंग तो विड्रॉ हो जाता है ना ड्रॉइंग मतलब क्या विड्रॉन वो तो ऑलरेडी गया है देखो ना डेबिट डेबिट द रिसीवर नुकसान हो तो लेके गया है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो ये जो उसका ड्रॉइंग्स का अमाउंट था वो सेम अमाउंट वो प्रॉफिट समझ के उसके पास रख सकता है मतलब प्रॉफिट का अमाउंट भी क्या हुआ 25 समझ में आ रहा है क्या ध्यान से तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में कितना आएगा 25,000 तो ही इज अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो अब इसका प्रॉफिट में हिस्सा भी कितना हुआ 25,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी फिर झमाला करने का नहीं बोला जितना उसने निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए उतना ही उसको प्रॉफिट समझ के भी दे दो तो उसको मिलेगा फायदा उसका प्रॉफिट उसको क्रेडिट प्रॉफिट लॉस सस्पेंस 25 डन 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 कोई टेंशन
सही है ये वाला ना, डन, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लेट्स चेक क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 23, केतन डाइड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस, सिर्फ प्रीवियस प्रॉफिट, चार साल है ना, चारों का एवरेज लेंगे, प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर, 18-19 लास्ट ईयर है ना, कब मरा, 19-20 में, तो 18-19 पिछला साल ही हुआ, तो प्रीवियस प्रॉफिट, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेने का कैलकुलेशन करने का, उसका कन्वर्ट करेंगे कितने महीने में, 9 महीना, और उसका शेयर खत्म, समझ में आ रहा है, और कुछ। 24, प्लीज सिंसियरली, मस्ती नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन 24 देखते क्या बोला है। अरे इधर देखो, इधर इयर्स दिए, मतलब कौन सा साल है, क्या है, देखो इधर दिया था 15, 16, 17, 18, 19, तो प्रीवियस मतलब हमने कौन सा लिया, 18-19, इस साल सिर्फ चार अमाउंट दिए, अब लास्ट टू इयर्स ये भी तो हो सकते हैं, डिसेंडिंग में भी हो सकता है ना, मतलब क्या, पिछला साल कौन सा है, 17-18, कौन सा पिछला साल लेने का, 17-18 है, पहला वाला कि लास्ट वाला, ये ध्यान रखने का, मतलब ये पुराना, फिर ये उसके बाद वाला, बाद वाला, बाद, ये सबसे लेटेस्ट, मतलब ये कौन सा साल रहेगा, 17-18, बहुत बढ़िया, 16-17, बहुत बढ़िया, 15-16, 14, हमेशा ध्यान रखो लेटेस्ट, उससे पहले का, उससे पहले का, उससे पहले का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4-3-2-1, हमेशा ध्यान रखना, तो 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, तो दिस इज द प्रीवियस टू ईयर्स प्रॉफिट, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ये पहचानना आपको चाहिए, स्टार एकदम, समझ में आ रहा है पब्लिक, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी, ईयर्स दिए नहीं है पर क्या मानेंगे, पुराना है, फिर नया, फिर नया, फिर नया, तो अगर लास्ट ईयर बोला तो ये, लास्ट टू ईयर्स ये, लास्ट थ्री ये, और कॉमन सेंस है ना, लास्ट ईयर मतलब ये लास्ट ईयर, पर प्रीवियस वर्ड कर दिया तो फिर झोल हो जाता है, अब कौन सा ले भाई प्रीवियस, मतलब पहले दो ले कि लास्ट दो ले, तो लास्ट दो, लॉजिकल, कोई टेंशन इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है। 7th क्वेश्चन क्या था इसमें, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 20,000, इट वाज टू बी शोन इन द बुक्स, रेज्ड, दो इफेक्ट, गुडविल रेज किया, गुडविल अकाउंट ओपन किया, बोलो दो इफेक्ट, गुडविल नाम का एसेट बिजनेस में आया, पहला इफेक्ट एसेट, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, इधर ओल्ड कितने, 3, खत्म, तो रेज्ड का सिंपल इफेक्ट, ओल्ड में रेज्ड, न्यू में या बचे हुए में राइट ऑफ, एडमिशन में ओल्ड होते 2, रिमेनिंग होते 3, तो एडमिशन में रेज होता है 2 में, राइट ऑफ होता है 3 में, डेथ रिटायरमेंट में रेज होगा 3 में, राइट ऑफ होगा 2 में, सिंपल है, रेज राइट ऑफ एडमिशन में आपको बेहतर पता है, ओल्ड न्यू खत्म, 2-3 तो अपन ने कभी बात ही नहीं करी, अपन तो ओल्ड न्यू बोलते, तो इधर ओल्ड 3 खत्म, गेटिंग दिस, मैजिकल, पोस्टिंग देखने का जरूरत है, अच्छा देख लो यार, रेज राइट ऑफ ना, गुडविल ये सिर्फ रेज है, सॉरी गुडविल रेज 20, कौन सा रेशियो, गेन रेशियो, सैक्रिफाइस गेन, सिर्फ गुडविल आने जाने के लिए खत्म, सिंपल है यार, सबका बात है तो ओल्ड, बचे हुए का बात है तो न्यू, सही है, हाँ, कौन सा क्वेश्चन, 8th, क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने का है, और क्या दिया देखते, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू द प्रॉफिट फॉर द लास्ट थ्री
प्रीसीडिंग ईयर्स एवरेज बोला है? एवरेज लेने का नहीं, तो गुडविल इज इक्वल टू तीनों का एडिशन, बस ना एवरेज लेना है, डिवाइड भी नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय टू इयर्स परचेज वगैरह वो भी नहीं करना, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट नहीं आएगा, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8, देखो तीनों का एडिशन आ गया गुडविल ऑफ द फर्म, ये अभी इसमें से मरे हुए पार्टनर का शेयर कितना, 1/4, वो उसको देखो क्या बोला है भैया, गुडविल निकला फर्म का, उसका हिस्सा 1/4 ना, क्या बोला है, फातिमा शेयर इन इट वाज टू बी क्रेडिटेड टू हर कैपिटल, तो फातिमा को गुडविल मिलेगा, उसको क्रेडिट इधर लिखता नहीं हूं, ठीक है समझ रहा है, फातिमा को गुडविल मिलेगा, उसको क्रेडिट बाय गुडविल, यही है ना, हाँ फातिमा, फातिमा हाँ, देखो फातिमा गुडविल मिला, कितना था गुडविल फर्म का, इसमें से उसका हिस्सा 48 उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट कौन देगा, तो बाकी दो पार्टनर्स को डेबिट, कौन से रेशो में, गेन रेशो, ढूंढेंगे गेन रेशो, चेक करते, न्यू रेशो दिया है तो न्यू रेशो विल बी सेम एज ओल्ड, पुराने लोग पहले बांटते थे 2:1, अब बांटेंगे बाद में भी इतना था है रहेगा, गेन भी सेम खत्म। अभी देखना इधर क्या बोला था, फातिमा शेयर इन यूनिट वाज टू बी क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट वाज टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल से लेस, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कौन से पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स किया उनको डेबिट, तो ये अड़ा बनाने का काम है, मतलब रेज राइट ऑफ नहीं करना है, जब भी बोला फातिमा शेयर मतलब क्या समझ जाने का, इसको मिलेगा बाकी दोनों गुडविल देंगे, रेफर क्वेश्चन नंबर 19, देखो अभी देखना, गुडविल बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, सुजाताज शेयर एडजस्टेड विदाउट अफेक्टिंग गुडविल, मतलब गुडविल ये एसेट्स में दिखना नहीं चाहिए, उसको अफेक्ट ही मत करो, ना रेस करो ना राइट ऑफ, अभी भी वही किया ना, रेस किया राइट ऑफ अलग से किया, सीधा क्या किया, जो मर रहा है उसको गुडविल दे दिया, सुजाता शेयर तो ये मर रही है, इसको गुडविल मिलेगा बाकी दो गुडविल देंगे, देखो सुजाता को गुडविल मिलेगा उसको क्रेडिट, बाकी रिमेनिंग पार्टनर मिलकर गुडविल देंगे, उनका लॉस उनको डेबिट, खत्म समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखो पूरे रिटायरमेंट डेथ में, अगर मरे हुए रिटायर हुए पार्टनर के गुडविल के शेयर की बात हो रही है तो उस मरे हुए पार्टनर को जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा बाकी दोनों देंगे, तो जिसको गुडविल मिलेगा मरे हुए पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर को उसका फायदा क्रेडिट, बाकी दो पार्टनर्स देंगे गुडविल उनका नुकसान डेबिट, खत्म। हाँ कौन से क्वेश्चन पे थे अपन, क्वेश्चन 8, देखो रेफरेंसेस कितना काम आता है यार, ऐसा रेफरेंसेस मारोगे तो क्या पॉसिबल ही नहीं है कि डाउट है कंफ्यूजन है, डाउट आएगा कंफ्यूज होगा, क्रॉस रेफरेंस देने से वो सब मिट जाएगा, ये बात है समझ में आ रहा क्या, 8 चल डीओपी की लगाएंगे वाट, इजी है ना, और कुछ इसमें, अच्छा ये क्या अकाउंट बनेगा लोन अकाउंट, क्या आएगा लोन अकाउंट में आप देखना ध्यान से, क्या है इधर कैपिटल अकाउंट बना रहे अपन, क्लोज करने के बाद ये बचता है लोन में जाता है, सेकंड इफेक्ट इसका, फातिमाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट लाइबिलिटी नहीं, लोन अकाउंट बना रहे ना, तो इसका सेकंड इफेक्ट पहले लोन में जाएगा, उधर से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आएगा बराबर, पर अब लोन अकाउंट से होते हुए लाइबिलिटी में जाएगा, अरे हाँ कि ना, कुछ टेंशन पक्का, तो फातिमाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय फातिमाज कैपिटल अकाउंट, खत्म, दो इफेक्ट हुआ, लास्ट में ये अकाउंट क्लोज करेंगे, जो बैलेंस बचेगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में, डेबिट पहला इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट लाइबिलिटी, बना है क्या, नहीं ना, नहीं बोला है, ठीक है, तो लाइबिलिटी में लोन अकाउंट, कुछ टेंशन,
हो गया, ये सारी चीजें हो गई ना। अरे है ना क्वेश्चन 19। अरे वो तो वही अभी जो देखा वो, पर उसमें पूरा नहीं देखा तो देख लेते। चलो एक तो देख लिया तो वापस डिस्कस करेंगे। अगर अजय गुडविल वाला ये ऐसा स्क्रोल रहने देना, पैनल में बहुत सामान है अपने। सब ऐसे डी प्रॉपर्टी अपना। देखो भाई तो गुडविल तो अपन ने देख लिया, गुडविल शुड बी अलर्ट टॉइस द एवरेज फॉर लास्ट 4 इयर्स। 4 साल का एवरेज लो, फिर इनटू 2 करो, जो आएगा उसमें से मरे हुए पार्टनर का शेयर निकालो। सुजाता शेयर इन दी गुडविल वॉज एडजस्टेड, मरे हुए पार्टनर का गुडविल एडजस्ट करना है। मतलब जैसे ही मरे हुए पार्टनर की बात हुई गुडविल की तो उसको गुडविल मिलेगा, बाकी दो देंगे, बात ही खत्म। फिर वर्डिंग्स कैसे भी हों दो, मरे हुए पार्टनर का गुडविल शुड बी एडजस्टेड। इसके पहले क्या बोला था, मरे हुए पार्टनर के गुडविल को क्रेडिट कर दो उसके अकाउंट में और बाद में राइट ऑफ कर दो, तो वही होगा, उसको मिलेगा बाकी दो पे करेंगे, इसको मिलेगा बाकी दो पे करेंगे, खत्म। रेज हुआ तो सबको क्रेडिट, सबको मिलेगा क्रेडिट, ओल्ड रेशियो सिंपल। रेज होके राइट ऑफ हुआ तो सबको क्रेडिट, बचे हुए दो को डेबिट। सबको क्रेडिट ओल्ड रेशियो में, बचे हुए दो को डेबिट न्यू रेशियो, गेन रेशियो में न्यू राइट ऑफ, बाकी दो को न्यू रेशियो में राइट ऑफ। एओपी नहीं याद, रेज ओल्ड राइट ऑफ न्यू, कंफ्यूज मत हो बराबर। सिर्फ इसका हिस्सा बोला तो मरे हुए पार्टनर को मिलेगा, बाकी दो पे करेंगे गेन रेशियो में। अब इसके पहले क्वेश्चन में राइट ऑफ वर्ड यूज किया था, बट उसका शेयर था ना, पूरा राइट ऑफ थोड़ी, सिर्फ उसका हिस्सा है तो सिर्फ उसका हिस्सा, खत्म। समझ में आ रहा है? सुजाता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू अ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट। तो क्या करे, लास्ट 2 ईयर को जोड़ दे, एवरेज लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन 8 का रेफरेंस अभी किया था, देखो दिख रहा है, ये देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो डिफरेंस बताता हूं। इधर क्या बोला था, देखो गुडविल इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो तीनों को जोड़ा एवरेज लिया। अभी क्या बोला है, मरे हुए पार्टनर के प्रॉफिट, देखो ऐसे तुम बैठ जाते ना, इरिटेट है यार, कैसे है ना, थोड़ा इंटरेक्ट करो ना, पार्टिसिपेट करो ना यार, जोश देखो। किसकी बात कर रहे, मरे हुए पार्टनर के प्रॉफिट की, कैसे निकालने का, लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट एवरेज बोला है तो लेना पड़ेगा। हाँ गुडविल जोड़ सकते, जोड़ थोड़ी सकते, हमको क्या निकालना है, इस साल का अंदाज प्रॉफिट ना, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे। हमको इस साल का 1 साल का अंदाज चाहिए, वो कैसे मिलेगा, 2 साल के एवरेज से। तो इधर एवरेज लेना चप पड़ेगा, एवरेज स्टार कॉमन सेंस से, यहां पे भाव अलग है, क्या ढूंढ रहे वो समझो और करो। हमको मरे हुए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना, नहीं समझा, मरे हुए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स प्रॉफिट। तो हम क्या ढूंढना चाहते हैं, इस साल का अंदाज प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन पिछले 2 साल। मतलब हम क्या बोल रहे, पिछले 2 साल में हमने कमाया था 16 और 20, तो अंदाज कितना कमाया हर साल, 18, खत्म। 36 बोलेंगे, अब 2 साल का वो गेटिंग को टेंशन, ये इंपॉर्टेंट इसमें। और कुछ हो गया, ये सिंपल। नेक्स्ट 12, कबीर मर गया एंड ही अपॉइंटेड हिज सन एज नॉमिनी। मतलब इस बार कबीर्स एग्जीक्यूटर्स लोन नहीं आएगा, शिवाज लोन आएगा डायरेक्ट, दिख रहा है। शिवाज लोन स्टार एग्जीक्यूटर मत लिखना, क्योंकि यहां पे एग्जीक्यूटर का क्या दिया हुआ है, नाम, तो सीधा उसका नाम लोन इंपॉर्टेंट। अब देखो इधर फिर से, गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट
सीधा दिया गुडविल का फॉर्म, फॉर्म का गुडविल का वैल्यू 20,000 एंड कबीर शेयर इज टू बी एडजस्टेड, आगे पढ़ने का इच्छ नहीं. मैं बोल रहा था ना एक अलग बैच, स्पेशल बैच, क्या मजा आएगा यार, जो दिल से पढ़ाऊंगा ऐसा, अरे रे रे रे, पर उधर से मैं ही बोलूंगा. मैं तो हो गया. हाँ, गुडविल रहने देना तू, मैं कुछ बोला भी नहीं है. गुडविल फॉर्म का 20,000 बोला है. कबीर शेयर इन द सेम इज टू बी एडजस्टेड, जो मर गया पार्टनर उसका शेयर एडजस्ट करना है. मतलब क्या होएगा, मरे हुए पार्टनर को गुडविल मिलेगा, उसको क्रेडिट, उसका फायदा, बाकी दो पार्टनर्स गुडविल देंगे, उनका लॉस, उनको डेबिट, खत्म. कौन से रेशियो में चेक करते, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है? पहले कैसा था, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, 8-6-6 जीरो सब कट, सिंप्लीफाई किया 2-4-3-3 4:3:3 अभी क्या रेशियो है, नया दिया है. हाँ देखो, ऑफ इमरान एंड अर्जुन हु आर गोइंग टू शेयर, मतलब नया आगे फ्यूचर का उनका नया रेशियो 3:2 इमरान अर्जुन, ये गया ना बोंगिया, इमरान अर्जुन 3:3 था, 3:2 हो गया, शेयर बदल गया. ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू न्यू रेशियो, देयरफॉर गेन रेशियो ढूंढना पड़ेगा. कैसे ढूंढेंगे गेन रेशियो, उल्टा ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ट्रिक, सन एस ओ एन, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, न्यू गेन का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड. देखते न्यू रेशियो क्या है, 3/5 2/5 ये देखो 3/5 2/5 बराबर. ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6 बहुत बढ़िया, बस यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी. 25-50 क्वेश्चन पे धप्पा. 3/10 3/10 माइनस डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 3 5 3 5 10 30 - 15 15 50 सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 2 5 3 5 10 5/50 15:5 सिंप्लीफाई, 3:2 गेन रेशियो. किसको ज्यादा गेन हो रहा है, इमरान को, और इसको कम गेन हो रहा है, सही है. हाँ, ओल्ड अलग था न्यू अलग है, दिख रहा है. देखो ओल्ड था इक्वल, बाद में हुआ 3:2 देखो अभी क्या है गेन रेशियो, 3:1 कितना था गुडविल का हिस्सा, 8,000 ना उसका हिस्सा, वो तो पता है ना कैसे निकाला यार. टोटल गुडविल 20,000, कबीर का हिस्सा 4/10 कितना, 8,000 कबीर को मिलेगा, कबीर का फायदा, कबीर को क्रेडिट देगा कौन, इमरान अर्जुन, कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में, कितना है गेन रेशियो, 3:1 माने 6,000 2,000 तो इमरान और अर्जुन गुडविल देंगे, उनका नुकसान उनको डेबिट. इमरान ज्यादा नुकसान झेल रहा है, अर्जुन कम, जबकि दोनों को सेम सेम नुकसान झेलना चाहिए था. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो न्यू में इमरान को ज्यादा मिल रहा है, अर्जुन को कम, मतलब फ्यूचर में अब इमरान भर भर के कमाएगा, तो इमरान को फायदा हुआ, तो अर्जुन क्या बोलेगा, साले उसके जाने की वजह से ज्यादा तू कमा रहा है ना, अब तू ज्यादा झेल, तो ज्यादा तू कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि जाने से गेन ज्यादा तेरे को हो रहा है,
मेरे को कम गेन हो रहा है तो मैं कम कंट्रीब्यूट करूंगा, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर. तो इसने कम कंट्रीब्यूट किया, इसने ज्यादा किया, खत्म. विच इज लॉजिकल, एक्चुअली होना सेम चाहिए था. पर सिंस उनका नया रिश्ता बदला, गेन का रेशियो ढूंढना अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया. अब गेन रेशियो ढूंढना पड़ेगा, वो ओल्ड न्यू जैसा नहीं रहेगा, जो बहुत रेयर होता. देखो हकीकत में भी वैसे ही होगा यार, अपन दो पार्टनर है, तीसरे को लाएंगे हम अपना रिश्ता बदलेंगे क्या? नहीं. आप एग्री करोगे कम लेना? आप कम प्रॉफिट लेना चाहोगे फ्यूचर में? मैं कम प्रॉफिट लेना चाहूंगा तो क्यों फिर नहीं छोएगा? एक्सेप्शनली अगर किसी का पर्सनल स्वार्थ है तो पार्टनरशिप पर्सनल से नहीं होती, म्यूचुअल अग्रीमेंट से होती. तो पर्सनल स्वार्थ है तो वहां पे फिर होएगा ऐसा सब. डन. और कुछ इसमें? बिल्डिंग इज वैल्यूड 80 पे यार, ठीक है. बिल्डिंग को 80% पे वैल्यू किया, मतलब 20% कम डेप्रिसिएशन ना. वैल्यू करना है 80 पे, वैल्यू हुआ था 80 पे, वंडर ओवर नहीं, बात समझो. इज वैल्यूड एट, अभी वैल्यू किया है. डन. को टेंशन. कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे थे? 12 ना. और कुछ हो गया ना? 12 पक्का हो गया ना? और कुछ बचा इसमें स्टार? ठीक है. नेक्स्ट 17. देखो मस्त एकदम इजी भी है. इन्वेस्टमेंट 15,000 का वॉज टेकन ओवर बाय रूबी एंड रिमेनिंग वेयर सोल्ड, मतलब पूरा गया, थोड़ा टेक ओवर पार्टनर लेके गया, थोड़ा बिक गया. करते एक एक टेक ओवर किया 15,000 का ना, कितने में टेक ओवर किया? 15 में कुछ नहीं बोला है तो पहला इफेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेस टेकन ओवर. एक मिनट ना, टेक ओवर का एक एडजस्टमेंट, फिर सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट का और सेल का कितने एडजस्टमेंट, कितने टिक, तीन टिक, कितना लाइन छोड़ेंगे? पांच. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो इन्वेस्टमेंट में अगर जाओगे तो देखिएगा पांच लाइन, एक तो तीन चार पांच, दिख रहा है? तो पहला लिस्ट टेकन ओवर 15,000, कौन टेक ओवर किया? रूबी को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, उसको मिला ना इन्वेस्टमेंट, डेबिट द रिसीवर, सही है. कोई टेंशन? आगे. एंड रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000, कितने बचे रिमेनिंग? 15 का गया, बचा कितना? अब 7,500 के इन्वेस्टमेंट बचे है ना, ये 1,000 प्रॉफिट पे जा रहे, मतलब ज्यादा में कि कम में? तो एड प्रॉफिट ऑन सेल 1,000, फायदा नुकसान? प्रॉफिट क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट्स 1,000 प्रॉफिट में कर दिया, अब बेच दो तो लेस सोल्ड 8,500 में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा, बिक रहा है तो पैसा आएगा, कैश या बैंक जो भी है आया, पैसा आया, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, खत्म. समझ रहा है क्या? इजी. और कुछ इसमें? 21. चलो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज अप्रिशिएटेड बाय 3,000, तो गुडविल का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया. हाउएवर ओनली यश का शेयर इन द अप्रिशिएटेड वैल्यू वाज रेज्ड, मतलब पूरा 3,000 बढ़ाने का नहीं, गुडविल में तो बढ़ेगा बट पूरा 3,000 नहीं, सिर्फ यश का हिस्सा. यश का हिस्सा कितना है? इक्वल ना, मतलब 1/3, तो 3,000 का 1/3, 1,000 गुडविल बढ़ेगा, तो 1,000 गुडविल में ऐड, तो गुडविल में ऐड एप्रिसिएशन 1,000. हाया ना, गुडविल रेज कर रहे हैं ना, अरे हाया ना, रेज बोला देखो, बट ओनली यश का शेयर इन द एप्रिशिएशन वैल्यू शुड बी रेज्ड, तो 1,000 से वैल्यू बढ़ गया, रेज किया. तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स. बट ये सिर्फ किसका हिस्सा बढ़ाया? पूरा 3,000 बढ़ाते, सबको क्रेडिट करते ओल्ड रेशियो में, सिर्फ यश का हिस्सा बढ़ाया, तो सिर्फ यश को क्रेडिट बाय गुडविल, यश का हिस्सा 1,000. कॉमन सेंस. अब शब्द बदल रहे तो ऑटोमेटिकली भावनाएं बदल रही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है? गेटिंग बेटा? पक्का? यस पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक, आर यू विद मी? देखो नेक्स्ट, रिजर्व फंड ऑफ राजू एंड महेश वाज केप्ट इन द बिजनेस, मतलब क्या? ये रिजर्व फंड तीनों को मत बांटो, सिर्फ
यश को मरे हुए पार्टनर को बांटो, तो ये 4,500 में से मरा हुआ पार्टनर इक्वल ना कितना 1500, तो देखना 4,500 में से 1500 यश को बच जाएगा और बचेगा 3000 लाइबिलिटी में, तो लेस करके इधर 3 लिखो या डायरेक्ट 3 लिखो, तुम्हारे ऊपर जैसा भी करना है, सही है। तो 1500 बटेगा, बाकी लोग का रिजर्व फंड ऐसे ही रहेगा, उन लोग है ना बिजनेस कर रहे, तो उन्होंने बोला रहेगा हमको नहीं चाहिए, जो मर गया उसको दो बस। तो मरे हुए पार्टनर को मिलेगा उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय रिजर्व फंड सिर्फ इधर, इंपॉर्टेंट, गेटिंग, ये सब इजी है, आप देख लेना आपको समझ जाएगा। लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्वेश्चन सॉल्यूशन बैंक है, देखना है तो देख सकते हो, कोई मतलब नहीं ऑनेस्टली बोलूंगा तो, एंड टाइम पे टाइम मत वेस्ट करो, वन शॉट का फायदा क्या फिर, ये सब देखेंगे तो कोई सेंसलेस है, बिल्कुल देखने का गरज नहीं है, सारे स्टार मैंने ले लिए, गेटिंग डन। अब लास्ट क्या बच गया, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सॉल्ड इलस्ट्रेशन के स्टार वाले आइटम ले ले, हो जाएगा फटाक से, इजी एकदम, देखो ध्यान से इधर देखना, सिर्फ स्टार वाले ही देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्ड इलस्ट्रेशन देखना इधर, इंटरेस्ट ऑन क्या क्या बना रहे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बराबर इंटरेस्ट ऑन किधर जाएगा, पार्टनर कैपिटल के, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, ड्रॉइंग्स मतलब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया तो पार्टनर्स पे इंटरेस्ट देगा, उसका नुकसान उसको डेबिट, तो पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये देखो सेकंड इफेक्ट, हमारा फायदा हमको ही देगा ना इंटरेस्ट, तो हमारा फायदा प्रॉफिट क्रेडिट किधर, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, अभी तो डिस्कस किया था आज कितने बार, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना चाहिए नॉर्मली, बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने वाला है साल के एंड में, ये तो बीच में ही मर गया, बोंग गया 1 जुलाई को मर गया, तो आज थोड़ी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, आज बनेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो इसके डेबिट में, सॉरी हमारा फायदा तो इसके क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सिंपल हो गए दो इफेक्ट। अच्छा, और इसमें जो मरा हुआ पार्टनर है उसका प्रॉफिट का भी हिस्सा रहेगा ना, ये देखो ना, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट, कैसे ढूंढना है, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज कितना, लास्ट 2 50 70 एवरेज बताओ, एवरेज रे 60, कैसे कर रहे हैं देखो ना, 10 इधर से इधर डाल देने का, 60 हो गया एवरेज, हो गया 60, उसमें से 3 महीना फॉर इसका शेयर कितना मुक्ता ना 1/4, देखो यही ना, 3 महीने का 1/4, 3750 इसको मुक्ता को मिलेगा, मुक्ता को क्रेडिट सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में, क्यों बनाने का ये अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था इसमें और पूरा क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा, तो इसके डेबिट में सस्पेंस के आया। अब लास्ट में इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ज्यादा किधर आएगा वैल्यू, इधर तो 1000 ही था ना, ये ज्यादा है 3000, ये ज्यादा, ये सेम इधर लिखेंगे और ये बचेगा, हाँ या ना, क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट, डेबिट माने एसेट, एसेट्स में कितना 2750 बराबर है, इसमें से माइनस किया, देखो समझ में आ रहा है पब्लिक, बहुत लोगों ने मेरे को डाउट पूछा था कि सर ये माइनस क्यों किया, कैसे किया, समझ में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट किया बट कॉन्सेप्ट ये, अरे समझ में आ रहा है पक्का, कोई टेंशन, इसी पे और क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, देखते वही लेते हैं पहले, यस ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डन, देखते हैं देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बनाने, विराट का कैपिटल, मरे हुए पार्टनर का कैपिटल, तो क्या बनाएंगे वर्किंग में, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला नहीं, एडजस्टमेंट बोला, देगा हिसाब,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग में बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश बैंक, बट स्क्रीन पूरा करेंगे। चलो सही है, एसेट्स लाइबिलिटीज ठीक है, स्टॉक फर्नीचर ठीक है, विराट शेयर इन गुडविल, विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल विच वॉज वैल्यूड 3 times ठीक है। विराट शेयर ना मतलब उसको मिलेगा, बाकी दोनों देंगे। अभी समझ में आ रहा है, जैसे ही नए सॉरी मरे हुए पार्टनर का जाने रिटायरिंग वाले पार्टनर के शेयर गुडविल की बात हुई तो सीधा उसको दो, उसको मिलेगा बाकी देंगे, खत्म, कोई टेंशन नहीं। गेटिंग दिस? अब देखना, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। कौन सा था लास्ट? अब देखो 1, 2, 3, 4 तो लास्ट कौन सा लेंगे? लेटेस्ट, प्रीवियस बोलो, लास्ट बोलो, पिछला साल बोलो, कुछ भी, ये पिछला, ये पिछले का पिछला, पिछले के पिछले का पिछला, पिछले के पिछले के पिछले का पिछला। अरे यार कॉन्सेप्ट है यार, वो समझना जरूरी है यार। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 40 था, उसमें से उसका कितना टाइम जीवन था भाई? जून 3 महीना। उसका शेयर कितना? कौन मारा रे? ये ना 7, 5, 12, 4, 16 4 by 16 देखो ये किधर गया, 4 by 16 1/4 ना, नहीं समझा? कितना था उसका हिस्सा? 4/16 4 1 4 4 1/4 तो उसका हिस्सा, और 3 महीने के लिए अपन उल्टा करते, अपन पहला 3 महीना करते फिर हिस्सा निकालते, कुछ भी करो यार चलेगा। तो 2,500 उसको मिलेगा, उसका प्रॉफिट उसको क्रेडिट सस्पेंस के नाम पे ना, सॉरी ये सेकंड इफेक्ट सीधा एसेट। पर हम लोग इधर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना रहे क्यों? और भी एडजस्टमेंट्स है। तो अब देखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसका फायदा उसको क्रेडिट, हमको डेबिट, डेबिट 2,500 सस्पेंस। फिर विराट को सैलरी मिल रहा है, उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट 12, 3, 36 हमारा नुकसान डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एडजस्टमेंट के डेबिट में नहीं। सैलरी ये सब क्या एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन है खत्म। फिर अब समझ में आ रहा है, जो भी चीजें नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए, जो भी चीजें नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, क्योंकि आज हम साल के बीच में है, आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, वो बनता है फाइनल अकाउंट में साल के एंड में। तो आज जो बनाना, क्या बनाएंगे? सस्पेंस। बीच में कुछ भी होता तो सस्पेंस ही होता ना, खुलता सस्पेंस लास्ट में, फिर लास्ट में वो सस्पेंस नहीं रहता। अब सस्पेंस खुल गया तो सस्पेंस थोड़ी रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, हम देंगे हमारा नुकसान डेबिट। विराज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग उसको डेबिट, सेकेंड इफेक्ट। अरे ड्राइंग मतलब पैसा निकाला, तो बिजनेस से पैसा गया सी क्रेडिट, कैश या बैंक के क्रेडिट में, बाय ड्राइंग, टू ड्राइंग बाय ड्राइंग, या टू कैश बाय कैपिटल, जो भी है एओपी जैसा गुडविल विड्रॉन। तो अभी ये क्लोज करेंगे, टोटल आएगा, बचेगा ये क्रेडिट का किधर जाएगा? डेबिट एसेट, खत्म। समझ में आ रहा क्या कैसे कर रहे? तो फिर और क्या भाई, इतना क्लियर कर दिया था, अभी भी अगर तुमने नहीं किया हाँ तो बस क्या ही बोले फिर, इसमें कुछ है क्या? नहीं है कुछ, स्टार नहीं है तो नहीं ले रहा मैं। तुम बोलेंगे क्या कर रहा, सिर्फ घुमाते जा रहा, हर तो इतने 24 questions कर लिए फिर भी तुमको एज करने गए। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, बोलो क्या? पहले प्रॉफिट ऐड करो इन्वेस्टमेंट में, ऐड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट, फिर बेच दो इन्वेस्टमेंट से लेस कैश बैंक आईआरडी डेबिट। गुडविल फर्म का था 15,000, इट वॉज टू बी रेज्ड एसेट में, गुडविल पहले से अभी बोला है 15,000 गुडविल वैल्यू किया है, गुडविल कितने पे वैल्यू किया है? 15 पे। ऑलरेडी कितना दिख रहा है? तो क्या करेंगे? 5 बढ़ाएंगे, रेज होगा, और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट। इसके पहले का क्वेश्चन याद है अपने क्वेश्चन बैंक में, सिर्फ मरे हुए पार्टनर का हिस्सा रेस किया था, सिर्फ उसको क्रेडिट, इधर ऐसा कुछ बोला है? तो सबको क्रेडिट, क्योंकि गुडविल बढ़ेगा तो सबका फायदा।
ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, कोई टेंशन? रेफरेंस क्वेश्चन थ्री क्यों दे रहा है? एक मिनट, ये क्वेश्चन थ्री है ना? हाँ, पेज नंबर 185 नहीं रे, 185 है क्या इसमें? 185, अच्छा एओपी क्या कि इसी में? इसमें नहीं है ना? अच्छा वो कुछ रूल रहेगा फिर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, चलो छोड़ो ठीक है, जरूरत नहीं, अपन स्मार्ट है, हमको गरज नहीं, ये ना है तो देखो ना यही रहेगा और क्या, अरे सबको राइट, शाबाश, इधर इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट अमाउंट दिया है, नहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया है नहीं देखो, अरे वैता की जाएंगे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे तो समझा गया क्या सीन है? इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है, बच्चा ढूंढते ही रहेगा, अब पढ़ते नहीं है ना तो कॉमन सेंस है यार, बिक गया थोड़ी दिखेगा इधर, पर वो ऐसा अरे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इधर है, प्रिंटिंग मिस्टेक गलती से प्रिंट हो गए ओ भाई चलो देखते हैं एट वाला, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी, मतलब इस बार क्या करना है, जो मरा हुआ पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को जो ट्रांसफर करते हैं ना उसके लोन में नहीं ट्रांसफर करने का, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने का और उसको पे कर देने का, कैसे करेंगे ध्यान से देखना ये मर गया पार्टनर कविता, टोटल दिया, ये बच गया, इतना किसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे, एग्जीक्यूटर के, लोन नहीं, क्यों? ये पैसा जाने वाला नहीं है, आज ही हम दे रहे, तो डायरेक्ट टू बैंक नहीं, डायरेक्ट टू बैंक लिखा तो क्या हो जाएगा पता है, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब हमने कविता को पे किया, विच इज इलीगल, लीगली रॉन्ग है, हाउ कैन यू पे कविता व्हेन शी इज नॉट अलाइव, शी इज डेड, एज सून एज शी इज डेड यू कैन नॉट पे हर, यू नीड टू पे हर एग्जीक्यूटर, अगर तुमने उसके अकाउंट में डाल दिया तुम पे ही एक्शन होएगा, बात समझो, तो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में, समझ में आ रहा है, तो यहां पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वर्किंग में अपन बना सकते हैं, क्या खोलेंगे अकाउंट, कविताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उधर लोन अकाउंट बना है, लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना दो कुछ भी चलेगा, बराबर, तो टू कविताज एग्जीक्यूटर, सेकंड इफेक्ट बाय टू, क्या बोल रहे, टू कविताज एग्जीक्यूटर, सेकंड इफेक्ट बाय कविताज कैपिटल अकाउंट, देखो यार बराबर, अब क्या करना है पैसे को पे, तो कविताज एग्जीक्यूटर टू बैंक, ये जो बचेगा पे हो जाएगा और बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 21700, बैंक अकाउंट कैसे बनाना है आपको पता है, वो सब नहीं सिखा रहा मैं, अपन को पता है कैश बैंक कैसे बनाते, तो बैंक से पैसा गया सीक्रेट कविता के एग्जीक्यूटर को, इधर एग्जीक्यूटर को डेबिट, ये हो जाएगा टैली, ये खत्म, ये बचा आ गया, और लास्ट में बैंक किधर जाता है, बैलेंस, बैलेंस शीट में, ये देख लिया गया अपन ने, और कुछ मार्किंग, मार्किंग नहीं है मतलब इजी है, इसी के साथ अपना डेथ ऑफ पार्टनर हो गया समाप्त, क्या क्या तीन चीजें करनी है, इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव्स, की नोट्स और पास पेपर में से एक क्वेश्चन सॉल्व, डन 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 हो जाएगा पक्का, फाड़ देंगे, तो इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए, डेथ ऑफ पार्टनर, थैंक यू, बाय।